हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से होंगे। कैसा हुआ आपका टेस्ट? मुझे मालूम है कि आपने जब इतनी सारे एफर्ट्स लगाए हैं तो आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हमारे इस टेस्ट सीरीज के 9th नंबर टेस्ट को मैं और हमारे साथ में सर अभी आपके साथ में सॉल्व करने जा रहे हैं। इस 9th टेस्ट का जो सिलेबस था वो था EMI, AC एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं स्वदेश कुमार अग्रवाल, टीम फिजिक्स, मेरे साथ हैं। हेलो बच्चों, मैं मनीष, टीम फिजिक्स, CLC सीकर। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशंस को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा। आप सारे के सारे बच्चे बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, अगर आपका एम बड़ा है, तो आपका स्ट्रगल कभी छोटा नहीं हो सकता। तो आपको इस बड़े लक्ष्य को, इस बड़े एम को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, और मैं जानता हूं कि आप वो स्ट्रगल कर भी रहे हैं। तो बच्चों, अब जीत ज्यादा दूर नहीं है, आप ऐसे ही एफर्ट्स करते रहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हम नीट पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे। तो सर शुरुआत करते हैं, आइए बच्चों शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन टाइम डेल्टा टी। Then the total quantity of electric charge Q which passing during this time through any point of the circuit is given by। देखो बच्चों, वैसे तो इसका जनरली हम लोग फॉर्मूला पढ़ते ही है, लेकिन कैसे आएगा उसको एक बार समझ लो। EMF की वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं -dΦ/dt, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लिखते हैं ना। अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट। पहले करंट E/R लिखते हैं, यानी -1/R, ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन को बताएगा, है ना सर। -dΦ/dt, तो ये करंट आ गया। अब किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हमें बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो Q को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IdT। कैसे? जब आप IdT लिखोगे तो ये क्या टर्म आएगा, देखो यहां पर -1/R और ये dt तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ dΦ आएगा, है ना सर। बिल्कुल सर। अब ये 1/R तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dΦ का इंटीग्रेट करेंगे इसके बाद, तो ये phi आएगा। अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स आएगा, इसको आप लिख सकते हो -1/R। ये प्लस माइनस साइन तो सिर्फ इस बात के लिए ना, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीमेटली हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन फ्लक्स बाय रेसिस्टेंस। तो यहाँ टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, ये बच्चों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे ख्याल से ध्यान रखना है। बस हो गया बच्चों, तो सर आगे बढ़े। जी बिल्कुल सर। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। कक्ष की दीवार से सटाकर एक धातु की रिंग चिपकाई जाती है, जब एक चुंबक का N ध्रुव रिंग के निकट लाया जाता है तो रिंग में प्रेरित धारा क्या होगी। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपको अवश्य मालूम होगा कि अगर मैं कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेता हूं, अगर मान लीजिए मैं कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेता हूं और इसमें करंट प्रोवाइड कर देता हूं, करंट को फ्लो करवा देता हूं, तो बच्चों ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब क्या, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन बनाता हूं ऐसे, और अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो मैं इसकी डायरेक्शन बनाता हूं कुछ ऐसे। देखिए आपको ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्शन कैसी आ रही है, ऐसे, है ना, क्लॉकवाइज। इसमें डायरेक्शन कैसे आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद में अब हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब ये हमारे पास में बार मैग्नेट जो है, या ये जो मैग्नेट है, ये जब नीचे गिरेगी तो ये जो हमारी रिंग है, ये रिंग एक कंडक्टर रिंग है, तो इसको जब ये हम नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, इसके फ्लक्स में चेंज आएगा। तो हमारा जो लेंज का लॉ है वो ये कहता है कि हाँ, जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो अपने में होने वाले चेंज को अपोज करेगा।
यानी ये जो n वाला पोर्शन है यहां पर भी कुछ ऐसा बनना चाहिए कि ये n बन जाए, n पोल की तरह बिहेव करने लगे, n पोल की तरह अगर ये बिहेव करने लग जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, यानी इसमें जो हमारे पास में करंट फ्लो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, देखिए जरा ध्यान से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर वामावर्त दिशा में। तो हमारा इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा सर? थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो ये सर ने जो कहा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, टॉप व्यू है, यहाँ से देख रहे हैं बार मैग्नेट की तरफ से, ऊपर से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो या तो आप करंट से ये कर सकते हो, सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, उसको मैं सर एक बार लिख दूं। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ये सिंबल नॉर्थ पोल जैसा, नॉर्थ पोल के जैसा सिंबल होगा जो अभी सर ने बताया, और अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल का साउथ पोल जैसा, देखिए ऐसा करके करंट फ्लो हो रहा है ना, हाँ। जैसे साउथ में इस तरीके से ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेक्ट। तो चलिए सर आगे चलते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू फेनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स इन्वॉल्व, पहला स्टेटमेंट लिखा है। दूसरा क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तीसरे में क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, और फोर्थ में लिखा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 1 एट द प्लेस ऑफ द कॉइल 2 एंड द करंट इन कॉइल 2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेशियो डिफाइंड By interchanging the coil. चार अलग अलग options दिए हुए हैं, तो पहले हम लोग फोर्थ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं, ऐसा मान लो कि एक कॉइल है, एक सोलिनॉइड हम लोग ऐसे मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक दूसरा सोलिनॉइड ऐसे मान लें, तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना बच्चों, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के कॉमन एरिया पर डिपेंड करता है। कॉमन एरिया पर इसका मतलब ज्योमेट्री पर तो डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल ठीक है ना सर? जी जी बिल्कुल। दूसरा यहाँ पर ये जो फोर्थ की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल 1 एट द प्लेस ऑफ कॉइल 2 एंड करंट इन कॉइल 2 विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रेशियो, कहने का मतलब क्या है स्टेटमेंट को एक बार मैं समझा दूं बच्चों। पहले ये वाला जो बाहर वाला ब्लैक कलर से जो कॉइल ड्रॉ किया हमने, पहले उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ हम लोग फाइंड कर लेते हैं, मान लो M या M12 ऐसे नाम दे देते हैं। और दूसरा जो ये रेड कलर का कॉइल है, अगर सेकंड केस में उसमें करंट फ्लो हो रहा हो और पहले वाले में करंट के कारण कुछ इंडक्शन हो रहा है चेंज इन फ्लक्स के कारण, उसको M डैश कह दें, तो ये दोनों इक्वल होता है, यानी करंट को इंटरचेंज करने से फर्क आएगा। तो यहां पर लिखा है चेंज हो जाएगा, ऐसा लिखा है ना, करंट इन द कॉइल विल बी डिफरेंट From that of the ratio defined by interchanging. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा। फर्स्ट, अब देखो बच्चों, सेकंड थर्ड में क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर हम लोग इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें, तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका फॉर्मूला अगर ध्यान हो बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर लिख के नंबर ऑफ टर्न्स, अगर दोनों का अलग अलग है तो हम लोग N1 N2 लिख देते हैं, है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। N1 N2 और उसके बाद यहां पर जो हम लोग लेंथ लेंगे, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया A into लेंथ। अब देखो बच्चों, ये जो टर्म है ना, ये बदल जाएगा, है ना सर? जब आयरन कोर हम लोग एक बार इंसर्ट कर दे रहे हैं, जी बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। सेकेंड ऑप्शन से पहले फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, तो ज्योमेट्री पर तो डिपेंड कर ही रहा है ना, एरिया सबसे पहली बात ये, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग बदले, ये सब चीजों पर। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड ऑन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो पहले से इनबिल्ट है, यानी इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एरिया क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो इस पर डिपेंड करेगा सेकेंड ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते सर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक परिपथ से संबद्ध फ्लक्स का समीकरण
फाई बराबर टी क्यूब प्लस थ्री टी माइनस सेवन, इसके अनुसार समय अगर एक्स अक्ष पर लें तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल वाई अक्ष पर लें के मध्य ग्राफ क्या होगा। कुछ ग्राफ हमें बता रखे हैं, जैसे मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, धनात्मक अंत्यखंडों की सरल रेखा, ऋणात्मक अंत्यखंडों की सरल रेखा, या मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला प्रवल है। तो हम जानते हैं बच्चों कि हमें जो फैराड का नियम है हमारा सेकेंड वाला, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो फाई हमें दे रखा है, ये पहले लिख लेता हूं, टी क्यूब प्लस थ्री टी माइनस सेवन। तो फैराड के सेकेंड नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंड्यूस डीएमएफ होता है वो कितना होता है, माइनस डी फाई बाय डीटी होता है, करेक्ट। अगर मैं माइनस को यहाँ इग्नोर कर दूं, हम केवल पॉजिटिव एक्सिस में बनाते हैं, क्योंकि हमें तो खाली ये चाहिए कि इनमें से कौन सा ग्राफ हमारे पास बनेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं। तो देखिए इसका जरा मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आएगा, डी बाय डीटी, और यहाँ पर मैं फाई की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, टी क्यू प्लस थ्री टी माइनस सेवन, करेक्ट। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा बच्चों वो आएगा थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो हमें सरल रेखा तो किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि सरल रेखा का मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी सरल रेखा परवल है ये सभी टू डायमेंशनल शेप्स है, यानी इसमें दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो खास बात यह है बच्चों, सरल रेखा आपको केवल और केवल तभी मिलती है जब हमारी इक्वेशन में एक्स की पावर भी वन हो और वाई की पावर भी वन हो, एक्स की पावर भी वन हो और वाई की पावर भी वन हो, तब मेरे को जाकर के क्या मिलती है, एक सरल रेखा, करेक्ट। और अगर या तो एक्स की पावर दो हो वाई की पावर एक हो, या वाई की पावर दो हो और एक्स की पावर एक हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है बच्चों, तो हमें क्या मिलता है, एक परवल है। इसको हमेशा याद रखिएगा, तो ग्राफ आपके गलत नहीं होंगे। और एक स्टैंडर्ड परवल है जो होता है, एक मानक जो परवल है होता है, जो मूल बिंदु से गुजरता है, जो मूल बिंदु से गुजरता है, उसकी समीकरण होती है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए। तो क्या हम देख सकते हैं, क्या ये इस प्रकार का है क्या, जैसे इस ई को हमें कहां रखना है, देखिए हमें बताया हुआ है ई को हमें रखना है वाई एक्स पर, यानी ये तो हो गया वाई, ये हो गया हमारा एक्स। तो क्या ये एक्स स्क्वायर बराबर वाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई टाइप का वक्र है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है, या प्लस थ्री का एक व्यंजक भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा, दूसरा परवलय होगा, क्योंकि इसमें x की पावर दो है, t की पावर दो है और y की पावर एक है, यानी ये तो बात तय है कि एक परवलय है और मूल बिंदु से नहीं गुजर रहा। अगर हम इसको बनाना भी चाहें, पॉजिटिव एक्सिस पर बनाना चाहें, तो सर मैं इसको बना सकता हूं, इसको मैं, जैसे हमारे को अभी अभी आपने देखा कि जो e की वैल्यू है वो कितनी आई थी, थ्री टी स्क्वायर प्लस थ्री। आइए मैं जरा इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ, पॉजिटिव एक्सिस पे बना रहे हैं बच्चों सारे, है ना, यहाँ पर मुझे लेना है t और यहाँ पर मुझे लेना है e, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास में हो गया t वाला जो है, ये x एक्सिस पर है और ये हमारे पास में y एक्सिस पर। अब जरा सोचिए बच्चों, अगर मैं t को जीरो ले लूं, t को जीरो ले लूं, तो ये कितना आएगा, थ्री आएगा, यानी y एक्सिस पर कितना से शुरू होगा, ये थ्री से शुरू होगा, यानी e की वैल्यू कितने से शुरू होगा, थ्री से। अब सोचो अगर मैं इसको यहाँ पर वन लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स, यानी अगला पॉइंट मुझे यहाँ मिलने वाला है, अगला पॉइंट मैं लिखता हूँ टू, तो फोर फिफ्टीन हो जाएगा प्लस थ्री फिफ्टीन। तो देखो ये कैसा ग्राफ आ रहा है, कुछ ऐसा पैराबोलिक का, एक पैराबोलिक का है, ठीक है। मतलब ये आप अगर इसको इस तरीके से बनाए तो एक कर्व शेप में ऐसे, और ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ये तो हम क्लियर देख चुके, थ्री से ये निकल रहा है, इसको ऊपर जा रहा है, बिल्कुल सही। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ बच्चों को, सर बच्चों को थोड़ा सा ये याद रखना आसान हो जाएगा। जनरली हम लोग जैसे y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख देते हैं जी, इस तरीके का एक जनरल सा इक्वेशन, तो ये हमेशा पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। या इसके अलावा अगर हम लोग ऐसे लिखते ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तभी ये पैराबोलिक कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। यहां ध्यान रखना बच्चों, ये जो टर्म है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का जैसा अभी सर ने कहा, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का टर्म आना चाहिए, और एक एक्स स्क्वायर के टर्म में है दूसरा वाई है, या एक वाई स्क्वायर दूसरा एक्स, तो ये हमेशा एक पैराबोलिक कर्व को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अगर मान लो ए की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए फर्स्ट केस, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, स्माइली फेस जैसा, ठीक है बच्चों को थोड़ा। देखो बच्चों, दूसरा केस हम लोग यहाँ अगर मान ले ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव के केस में जो ग्राफ बनेगा ये कहीं से भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड व्हाट
तो अलग कंडीशन है बच्चों, अगर ये नेगेटिव है ना तो उसका ग्राफ हो सकता है ऐसे बने, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो ना, सेट फेस का बिल्कुल, तो इस तरह से याद रख सकते हो बच्चों। तो अभी जो जैसा कि सर ने बताया ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव से तो ये ऊपर या नीचे आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। जैसे सर ने कहा कि पैराबोलिक कर्व होगा, अब यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु से गुजरने वाली तो सरल रेखा, सरल रेखा तो हमारा हटा दीजिए, फिर ये धनात्मक सरल रेखा, सरल रेखा ये तो खत्म ही, ये तो हो ही गई कि ऑप्शन बनता है हमारा फोर्थ ऑप्शन, परवल है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, सिंपल सा इसका एक फंडा है। और इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बिल्कुल छोटी सी लास्ट में एक ट्रिक और बता देता हूं मैं बच्चों, कि अगर मेरे पास कोई स्टैंडर्ड कर्व है जिसकी पार इसके अंदर से लेस है, एक्स की या वाई की, मान लो इसकी पावर लेस है और इसकी पावर ज्यादा है, तो हमारा जो ये परवला होता है ना उसका मुंह उसी की तरफ खुला होता है जिसकी पावर लेस होती है, जिसकी पार लेस होती है, तो अगर इसकी पार लेस है ना तो इसका मुंह उसी तरफ खुला होगा, मतलब ऐसे बिल्कुल ये ऐसे मगरमच्छ की तरफ है ना। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई लेता हूं ना मैं, तो यहाँ पार किसकी लेस है, वाई की, तो इसका मुंह कैसे खुला होगा, कैसे खुला होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, वाई की तरह। तो अब हमें हम भूलेंगे नहीं बच्चों, हमें सब याद रहेगा, ठीक है। चलिए सर ये अच्छा सर आपने जी, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं बच्चों। 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार लूप को 0.4 सेकंड में वृत्तीय लूप में परिवर्तित किया गया है, 0.2 टेस्ला का समरूप चुंबकीय क्षेत्र लूप में अभिलंबवत हो तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बच्चों एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हम जानते हैं क्या होता है, ये होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, करेक्ट, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का बी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, फाई इक्वल टू बी ए होता है लंबवत, हमारे को यही लिखा है यहां पर, तो ये माइनस बी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा होगा पहले वर्गाकार लूप और उसको वृत्तीय लूप में कन्वर्ट किया, तो वर्गाकार जरा समझिएगा कि अगर मान लो मैं एल लंबाई का एक वर्ग लेता हूं तो इसकी टोटल लंबाई बच्चों हो जाएगी 4 है, और इसी से मैंने एक वृत्त बनाया, इसी से मैंने एक वृत्त बनाया, यानी ऐसे बनाया, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कितनी है, r, तो इसका मतलब है इसकी जो परिधि है, इसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, 2πr, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के। यहां से अगर मैं बच्चों r का मान निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा 4l/2π, या इसको मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 2l/π। अब जरा ध्यान से इस फॉर्मूले में रखेंगे हम कि हमारे पास में माइनस बी और ये है हमारे पास में डेल्टा है, डेल्टा ए का मतलब क्या हो गया कि हमें कहां से कहां तक जाना है, हमें वर्ग से वृत्त पर जाना है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का होगा एल स्क्वायर बटा डेल्टा डी, करेक्ट। आइए अब इन वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, तो हमारे को जो बी की वैल्यू बच्चों दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.2 टेस्ला, है ना, 0.2 टेस्ला रख दूंगा यहाँ पर मैं पाई। अब देखो आर की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फोर, तो अगर स्क्वायर कर दे तो फोर, ये फोर एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूंगा, हाँ ये यहाँ पर हम एल लिख देते हैं बच्चों, फोर एल स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास पाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, पाई स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ सर मैं, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ गया, ये हमारे पास 2l बटे पाई बच गया था, तो ये हो गया 4l स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जरा 4l की वैल्यू हमने 0.22 है, बिल्कुल 0.22 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया, करेक्ट, और बटे पाई स्क्वायर। बच्चों आपसे अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि हमें पाई स्क्वायर को सॉल्व करना है, 22/7 लिखेंगे या सर ये पाई स्क्वायर को नियर इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, 3.1 स्क्वायर को लगभग 10 के बराबर आ जाता है, तो हमारा बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू बच्चों हम यहां से पुट कर देंगे, ठीक है, आर की वैल्यू जो भी होगी वो हम यहां से पुट कर देंगे, तो यहां पर एल की वैल्यू हमें दे रखी है 0.22, तो मैं यहां से अगर मैं पुट कर दूं तो पाई इनटू आर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी है, 4 × 0.22² / π² ठीक है, माइनस, और ये तो हमें डायरेक्टली लिखा हुआ है 0.22 वो तो कॉमन ही आ जाएगा, वो कॉमन भी आ जाएगा, और इसको मैं बटे कर दूंगा डेल्टा टी, डेल्टा टी हमारे बच्चों कितना दे रखा है, 0.4 सेकंड दे रखा है। बच्चों ये कैलकुलेशन है, बड़ी आसान कैलकुलेशन है, आप जल्दी से कर सकते हैं इसको, बड़े आराम से कर सकते हैं, जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा 6.6 × 10⁻³, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल सर, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या लिखा है,
टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड राइट एंगल्स टू ईच अदर इफ 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर आर द करंट्स फ्लोइंग थ्रू द टू कॉइल्स रेस्पेक्टिवली द मैग्नेटिक इंडक्शन इन वेबर पर मीटर स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी। देखो बच्चों ध्यान देना, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दो कॉइल ड्रॉ कर दें, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बिल्कुल। अब इसमें क्या, एक में करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, दूसरे में 4 एम्पियर, तो एक अगर इसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मान लेते हैं, इस तरह से अगर करंट फ्लो हो रहा है ना सर, ऐसे कर तो राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लें, और दूसरे में करंट मान लें ऐसे जा रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं हो जाएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड को आप बी वन नाम दे दो, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को बी टू। अब बी वन और बी टू की वैल्यू अगर हमें पता हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक है ना। एक सर्कुलर कॉइल के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिखता हूं, एक तो देखो रेडियस दिया हुआ है बच्चों सेंटीमीटर में दिया है और करंट दिया है ना, म्यू नॉट आई बाय टू आर ऐसे मान लेते हैं। तो पहले में जो करंट है वो कितना है 3 और रेडियस दिया हुआ है 2 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ना, 10 to the power minus 7। बिल्कुल बिल्कुल, ये बी वन आ गया। इसी तरीके से हम लोग बी टू भी लिख सकते हैं, टेस्ला में लिख दो या इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में लिख दो, दोनों यूनिट एक ही बात है, एक ही। तो बी वन ऐसा आ गया, बी टू के लिए मैं डायरेक्ट लिख दू 4 × 10⁻⁷। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻⁷ आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ये 10⁻⁶, अच्छा सेंटीमीटर, एक मिस्टेक कर दिया ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर में है, तो इसको आप 10⁻⁻² नीचे लिखेंगे, ऊपर 10⁻² हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, उसके बाद तो आई गया आंसर है ना, बिल्कुल पूरा मिटा ही देते हैं। देखो बच्चों 3 × 10⁻⁵, ये भी 10⁻⁵ और ये 10⁻⁵, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो अब एक ही ऑप्शन में लिखा है 5, तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं सर, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था, 7th। देखो बच्चों क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू 2t + 4t² वेयर टी इक्वल्स टू टाइम इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस R and resistance capital R. If all the units are in SI, the electric charge that flows through the wire during t equals to 0 second to t equals to 2 second is. जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बच्चों उसी पर बेस्ड है। अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई आर लिखेंगे। तो अब चेंज इन फ्लक्स की बात करें, एरिया को तो हम लोग पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है 2t + 4t² एक बार इसमें t की वैल्यू हम लोगों को क्या पुट करना है, 0, एक बार 2, तो जब आप 2 पुट करोगे, देखो मैं इसमें पुट करके लिख देता हूं, ठीक है बच्चों, जब आप 2 पुट करोगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 = 4 + 16, यानी कि 16 + 4 = 20 आ जाएगा, और जब आप 0 पुट करोगे तो 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस लिख दे तो ये आ जाएगा 20 πr² / R, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, ये क्वेश्चन नंबर 8। हाँ आगे देखते हैं बच्चों, एक लंबे क्षैतिज दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को ऊर्ध्वाधर चालक तल के समीपतर लंबवत दिशा में लाया जाता है। चालक का जो तल है वो कुछ ऐसा है मान लीजिए, और इसको हम जो लेकर के आ रहे हैं वो इसके लंबवत, इसके तल के लंबवत लेकर के आ रहे हैं, तो हमें क्या बताया, उत्तरी ध्रुव को ऊर्ध्वाधर चालक के समीप रखना है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, इसके समीप रखना है, तो चालक तल में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो सर ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सेकंड नंबर यही किया था हमने,
तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जब नीचे आएगा तो इसमें फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा, ये इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो इसके बढ़ने का विरोध करे। तो हम इसके अंदर भी क्या बनेगा, ये एन पोल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसकी अगर आप करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा के अंदर आ जाए, ये मैग्नेट की तरफ से देखने पर, और जो आंसर हमें करना है उसी के हिसाब से, यही ऊपर से देखना है सर, मैग्नेट की तरफ से हम देखेंगे तो ये एन आ गया, नीचे से देखेंगे तो ऐसा जाता। बच्चे ये बोलते हैं सर जिसको नीचे से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज भी आंसर हो सकता है, ये मतलब बिल्कुल सही बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात करी है ये कि यहाँ पर से अगर हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पर एन पोल है, नीचे से देखेंगे तो एस पोल बन जाएगा, क्योंकि हम ऊपर से देखना है तो इसलिए ये नॉर्थ पोल है। और जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब जिधर से मैग्नेट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़िए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, फैराडेज लॉ आर कंसिक्वेंस, लॉज आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बच्चों, एक्चुअली जो लेंज लॉ से हम लोग कहते हैं, जैसे एक सिंपल सी बात मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के बारे में चर्चा करते हैं सर। देखो बच्चों अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मेटेलिक शीट है और उस मेटेलिक शीट को हमने किसी वायर से ऐसे सस्पेंड किया, एक तरफ ले जाके रिलीज करें तो ऐसे ये मूव करेगा, ये लगातार मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मूव कर रहा है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़े टाइम के बाद जब ये मूव कर रहा है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और हीट एनर्जी के फॉर्म में डेवलप होता है, तो यहाँ पर एडी करंट जैसा कुछ आता है जो आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, तो एडी करंट ये जो आया कहाँ से आया, एक्चुअली जो हीट एनर्जी डेवलप हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के लॉस के कारण हुआ है, तो यहाँ पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी का कंजर्वेशन है बच्चों ये जो लॉ है, तो वहां पर जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं या फैराडेज लॉ में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, असल में इसी वजह से इंड्यूस्ड होता है ताकि नेट एनर्जी जो है वो कंजर्व रह पाए, जब अगर जैसे एक कॉइल है, अभी हमने कॉइल वाला क्वेश्चन किया था सर, तो उसमें जब आप बार मैग्नेट को उसके पास लाते हो तो मोशन को अपोज क्यों करता है, करंट अब उसमें फ्लो हुआ कुछ ना कुछ हीट एनर्जी तो हुआ, हम लोग कोई भी रेसिस्टर की बात करें सर हीट एनर्जी तो डेवलप होता ही, तो वो हीट एनर्जी आएगा कहाँ से, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी लॉस होनी चाहिए, तो एक्चुअली ये जो हो रहा है ये फैराडेज लॉ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक दूसरा फॉर्म है, फिजिक्स में तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का नहीं केवल एनर्जी का। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, माना जाएगा सर फर्स्ट हो जाएगा, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए सर, वेरी गुड, तो 10th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जेड एक्स की दिशा में कार्यरत एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर एक अनंत लंबे बेलन को रखा गया है, जेड एक्स से देखने पर बेलन में प्रेरित धाराओं की दिशा क्या होगी, तो बच्चों जरूरी नहीं है, नॉर्मली हम कह लेते हैं जेड एक्स क्या होती है कि जी एक्स वाई ऐसे एक्स ऐसे और जेड ऐसे, जरूरी नहीं है, हम कहीं पर भी एक्स ले सकते हैं कहीं पर भी वाई कहीं पर भी जेड, तो मैंने क्या किया इस दिशा में जेड एक्स ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या कहा गया, एक बेलन को इसके समानांतर रखिए, ये एक अनंत लंबाई का बेलन है बच्चों, अनंत लंबाई का बेलन है, बड़ा सा बेलन है, इसको ऐसे रखा हुआ, और साथ में क्या कहा गया कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड एक्स की दिशा में, यानी हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो इसी दिशा में लगा हुआ है, और क्या कहा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या है, नियत है, हम जानते हैं कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका मतलब इससे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो भी क्या होगा, नियत होगा, अगर फ्लक्स नियत होगा तो E बराबर डी फाई बाई डी टी, ये जीरो होगा क्योंकि डी फाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, डी फाई की वैल्यू जीरो होगी तो ई जीरो, और ई जीरो तो धारा भी विद्युत वाहक बल तो धारा भी जीरो, तो सिंपल कहीं नहीं जाना है, सिर्फ ये तीसरा ऑप्शन हमारे को यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इन वेबर इज गिवन बाय इक्वेशंस फाइ इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल्स टू 2 सेकंड विल बी, देखो बच्चों हमें मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो माइनस डी फाइ बाई डी टी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव लिख लेंगे, बिल्कुल ठीक है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 × 2 = 6, 60 + 4 ऐसे आ जाएगा, दो सेकंड इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 6 × 2 = 12 + 4 = 16 आ जाएगा, यानी कि 16 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, 16 वोल्ट, बिल्कुल बिल्कुल 16, आगे बढ़ा जाए सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों, एक चुंबक को अनंत लंबाई के तांबे की ऊर्ध्वाधर नली में गिराया जाता है, तो मेरे पास में एक ऊर्ध्वाधर नली है बच्चों, तांबे की नली है,
अनंत लंबाई की है, मैंने भी इसको खूब लंबा कर दिया है बच्चों, ठीक है। ये यहाँ से बहुत लंबी सी एक नली है हमारे पास में, इसमें एक चुंबक को हमने गिरा दिया, ठीक है। मान लीजिए ये एन वाला सिरा है, ये एस वाला सिरा है, इसमें से चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और हम जानते हैं इसके भार के कारण इसके ऊपर लग रहा है एम जी, जी लग रहा है, जी लग रहा है, मतलब इसका जो वेग है वो इस दिशा के अंदर बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन हो रहा है बच्चों, इसके फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होने के कारण इसमें भंवर धाराएं पैदा होंगी, और भंवर धाराएं इसके इस नीचे गिरने का विरोध करेंगी। ये तो लेंज के नियम से हमें मालूम है, इसके नीचे गिरने का क्या करेंगी, विरोध करेंगी। तो ये अपनी स्पीड बढ़ाना चाहता है क्योंकि जी वेक्टर यहां पर काम कर रहा है, लेकिन भंवर धाराएं इसको ऊपर की दिशा में मंदित करेंगी, उनके ऊपर ऊपर उल्टी दिशा के अंदर, इसके वेट की उल्टी दिशा के अंदर एक बल लगाया जाएगा, जिससे कि इसका जो वेग है वो धीरे 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 करके क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जो भंवर धाराएं जो बल लगा रही है इसके ऊपर, ये इस भार के क्या हो जाएगा, बराबर। और जब ये हो जाएगा तो हम कह देंगे कि इसके ऊपर नेट बल हो गया जीरो, और नेट बल जीरो हो गया तो इसका वेग क्या हो गया, नियत हो गया। इसका वेग क्या हो गया, नियत हो गया, इसको सीमांत वेग भी कह देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी कह देते हैं। वेग नियत हो जाएगा तो हम कहेंगे कि शुरुआत में तो ये मंदन को प्राप्त करता है, वेग कम होता है, और उसके बाद में नियत हो जाता है, फिर नियत वेग से ये नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। तो इसके अंदर बच्चों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, प्रारंभ में चुंबक का वेग बढ़ता है क्योंकि वो वेट बढ़ रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, निरंतर क्या लग रहा है, एक मंदन लग रहा है, और उसके बाद में ये एक नियत वेग को प्राप्त कर लेता है, और ये हमारे पास में सही आंसर इसका है। इसमें देखो लिखा है विराम में आ जाता है, तो विराम में नहीं, नियत वेग से नीचे गिरता रहेगा, ये लगातार बढ़ता है, त्वरण नियत रहता है, वेग तो लगातार बढ़ता नहीं है, फिर चुंबक का वेग, ये वेग जो बढ़ रहा है ना बच्चों, ये वेग बढ़ रहा है जी वेक्टर के कारण, लेकिन लगातार इसके ऊपर ये एफ वन कार्यरत है, ये बच्चों को कुछ शायद वो विस्कस फोर्स जैसा समझ में, बिल्कुल बिल्कुल विस्कस फोर्स में भी यही होता है, मतलब एक बॉल है उसको अगर आप एक पानी के अंदर डाल देंगे या किसी भी एक लिक्विड में डाल देंगे तो पानी के या लिक्विड के जो कण है उसे चिपक जाएंगे, जो गेंद है उसे चिपक जाएंगे, तो जब वो नीचे जाएगा तो वेग ऊपर की दिशा में विस्कस फोर्स हमारे वेग की ऊपर की दिशा के अंदर उल्टी दिशा के अंदर क्या करेगा, काम करेगा, और कुछ देर बाद में जब नेट फोर्स जीरो हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक सीमांत वेग बन जाएगा, नियत वेग से फिर वो नीचे गिरने लग जाएगा। तो ये इसका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट तो शुरुआत में वेग बढ़ेगा और उसके बाद नियत हो जाएगा, आगे बढ़ेगा सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, ये तो फॉर्मूला ये इसमें लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ वेक्टर एरिया ए इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, बी और ए यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, या फिर इसको बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसमें तो और ज्यादा कुछ खास है नहीं, सिंपल, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एन फेरोम और आर ओम प्रतिरोध की एक कुंडली को चार आर ओम प्रतिरोध के किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित किया गया है, इस संयोजन को डब्ल्यू वन वेबर के चुंबकीय क्षेत्र से डब्ल्यू टू वेबर के चुंबकीय क्षेत्र में टी सेकंड में ले जाया जाता है, तो परिपथ में प्रेरित धारा का मान क्या होगा। हम जानते हैं बच्चों जो धारा होती है वो होती है ई बटे आर, ई होता है हमारे पास में, अगर इसमें n जैसा कि इसमें दे रखे हैं n फेरे हैं तो मैं इसको इसको इसके अंदर n फेरे लगा देता हूं, n d phi by dt, और यहां पर आ जाएगा बच्चों r, और ये जो हमारे पास होता है लेंज के नियम के हिसाब से एक ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं, एक नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस n बटे r, क्षेत्रफल की जगह मैंने ए लगा दिया, और फाइव जो है हमारे पास में, क्योंकि देखिए हमारा क्या देखा है चुंबकीय क्षेत्र, ये जो यूनिट दिया ना सर यहाँ पर ये वेबर के टर्म में ही दिया है, तो ये बी टू माइनस बी वन हो गया, सिंपल बी टू माइनस बी वन, तो हमें क्या बताया है कि माइनस एन बटा आर कर दीजिए आप, यहाँ ए लगा दीजिए बी टू यहाँ टाइम टी और टी, हाँ टी रह गया बिल्कुल सही, ये टी रह गया, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा ए बी वन को हम लोग डब्ल्यू टू लिख सकते हैं क्योंकि यूनिट यहाँ पर वेबर में लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल, इसको यहाँ पर मैंने B1 लिख दिया है, इसे हम पूरा हटा देते हैं, तो ये दोबारा लिख देते हैं कोई बात नहीं सर, n माइनस आर, और यहाँ आर भी बच्चों का आंसर आएगा इक्विवेलेंट वाला आएगा है ना, क्योंकि दो दो तरीके के रेजिस्टेंस है, एक आर ओम है और एक चार ओम है, अभी बताता हूँ उसके बारे में भी, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो ये हमारे पास में बन जाएगा डी फाइव बाई डी टी, तो मैंने इसको लिख दिया बी ए ए, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया बी टू माइनस बी वन, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, माइनस का एन बटे आर इक्विवेलेंट ए बी टू मतलब डब्ल्यू टू बी वन मतलब डब्ल्यू मतलब ए अब नहीं रहेगा क्योंकि ए बी वन को हमने
ए बी वन को हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ए बी मैं हटा देता हूँ ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ, स्लाइड ले लेते हैं ना। हाँ चलिए, अब मेरे को बस R इक्विवेलेंट को सॉल्व करना है। R इक्विवेलेंट तो मतलब कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हमारी जो है वो कॉइल लगा रखी है हमने, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एक यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, बिल्कुल इसको ऐसे बना देते हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है हमारे पास, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 R देख लेते हैं, कुंडली का, कुंडली का 8 दिया है ठीक है, तो यहाँ पर हम आर कर गैल्वेनोमीटर का 4 ठीक है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर आर कर देते हैं बच्चों, और इसका कितना है 4 R, दोनों आप देखेंगे तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में मतलब टोटल 5 हो गया, तो मैं इसको हटा करके सिंपल क्या लिख देता हूँ 5, और एक टी तो यहाँ पर नीचे आ ही रहा है, हाँ टी तो नीचे चल ही रहा है, ये डीटी वाला टी, बिल्कुल, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, माइनस NW2 माइनस W1 बटे 5 R T, तो कौन सा आंसर बन जाएगा सर, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है ना, माइनस NW2 ये वाला आंसर, बिल्कुल बिल्कुल यही वाला आंसर। देखो बच्चों यहाँ यूनिट का ध्यान रखना है, अलग से अलग मेंशन किया है W1 W2, ये वेबर है, फ्लक्स है, यही सर थोड़ा सा जब हमने यहाँ पर एरिया लिख दिया था तो यही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, क्योंकि ये यूनिट जो बी की यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर में नहीं है, ये इसमें एरिया का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी यहाँ लिखा है चुंबक के क्षेत्र, तो ये जानबूझकर कैसे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इन सब चीजों का ध्यान रखना है बच्चों, छोटी छोटी चीजें, आगे बढ़ते हैं जी सर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो बच्चों क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस आर, यहाँ फिगर में भी दिया है इतने से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है आर रेडियस में, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट dB/dt, ठीक है बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अब ये चेंज होने लग गया, तो चेंज होगा इसका मतलब इससे ये जो लूप है ना इससे जितना भी फ्लक्स जा रहा था वो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो लूप दिए, एक तो लूप वन है दूसरा लूप टू है, क्या लिखा है, लूप वन ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज ग्रेटर देन स्मॉल आर एनक्लोजेस द रीजन आर, ये जो रीजन स्मॉल आर का है इसको एनक्लोज कर रहा है, एंड लूप टू ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज सून इन द फिगर बिलो, देन द EMF जनरेटेड इज, अब हम लोग EMF की बात करें बच्चों तो ध्यान देना ये जो है ना इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, तो इसमें तो EMF जनरेट होगा, लूप वन में EMF जनरेट होगा, लेकिन लूप टू की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, बिल्कुल, तो इसके चेंज होने से इससे लिंक्ड फ्लक्स तो यहाँ है ही नहीं बच्चों, तो चेंज इन फ्लक्स इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा लिख देते हैं चेंज इन फ्लक्स लिख रहे हैं ना हमें, एक बार क्वेश्चन देख लें, जनरेटेड इसमें लिखा है माइनस, हाँ ये dB/dt या पाई आर स्क्वायर जो भी टर्म है बच्चों ये चेंज इन फ्लक्स की बात करें तभी तो EMF आएगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं d∅/dt, सेकेंड लूप में देखो माइनस d∅/dt लिख देंगे, अब एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, देखो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर इसका रेडियस कैपिटल आर है, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ कैपिटल आर दिया है यहाँ स्मॉल आर दिया है, हम लोग जो कॉमन एरिया होता है उसको लेते हैं यहाँ पर, अगर ये छोटा वाला रेडियस होता ना मैग्नेटिक ये जो लूप है, देखो अभी इस कंडीशन में क्या है लूप का रेडियस ज्यादा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ स्मॉल आर रेडियस में, तो अगर स्मॉल आर रेडियस में यहाँ पर जो हम लोग एरिया लेंगे पाई आर स्क्वायर लेंगे, स्मॉल रेडियस ही लेंगे, और अगर कंडीशन रिवर्स हो जाता यानी मैं दूसरे अलग से आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, यहां पर ध्यान देना अगर इतने से रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता, ठीक है, और हमें सिर्फ इतने से लूप में फाइंड करना होता है ना, तो भी यहां पर हम लोग स्मॉल आर ही लेंगे कैपिटल आर नहीं लेंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हम लोग कॉमन एरिया लेते हैं बस, तो अब देखो बच्चों इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो माइनस पाई आर स्क्वायर dB/dt ये तो फर्स्ट लूप में आएगा लेकिन सेकंड लूप में कोई फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा नहीं, तो अब यहां पर जो है दो ऑप्शंस इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ये कैपिटल आर स्क्वायर है ये स्मॉल आर स्क्वायर है, तो ध्यान रखना है हमें कॉमन एरिया लेना होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड वाला इनकरेक्ट है, ठीक है सर। चलिए इधर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए ये क्वेश्चन नंबर 16।
हाँ, तो 60 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम के अंदर रखा हुआ 10 मीटर लंबा तार 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के अभिलंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिरता है, तो तार के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल क्या है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर एक तार रखा हुआ है बच्चों, और ये जैसा कि दिया हुआ है 10 मीटर लंबा तार है, एल की वैल्यू जो है वो हमारे को दे रखी है बच्चों 10 मीटर, और हमें कहा गया है कि 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्र के अभिलंबवत 5 मीटर। इसका मतलब क्या है कि V जो है किसके परपेंडिकुलर है, B के परपेंडिकुलर है, लंबवत है ना, और हमारे पास E क्या होता है, V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L, तो VB साइन थीटा, VB दोनों के बीच में कितना कोण है बच्चों, 90 डिग्री का कोण है इनटू L, तो ये हो गया VBL। E का मान कितना हो गया, VBL, कुछ नहीं करना, सारे मान रख दो बस, बात करते हैं इसको पुट कर देंगे, E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E हमारे को V तो दिया है 5 दिया है साइनेट में, ये B की वैल्यू हमें दी है 0.3 × 10⁻⁴, और L हमें कितना दिया है 10 मीटर, L दिया है हमारे को 10 मीटर, ठीक है। तो ये देखो 50 और ये 0.3 कितना हो गया, 50 और इंटू 15 हो जाएगा, 15 × 10⁻⁴, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 × 10⁻³ या मिली में लिख दूंगा इसको, है ना, मिली वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आसान है बिल्कुल बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, देखो बच्चों ध्यान देना, 17 में क्या लिखा है, अ कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड ए एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई आर लोकेटेड इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर, द फ्रेम मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ये जो फ्रेम है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, द emf इंड्यूस्ड इन द फ्रेम विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो अब देखो बच्चों यहां ध्यान देना, अगर हम लोग चलो पहले ये फिगर मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना, ध्यान देना, ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ ना, इसमें ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ये सेंटर से डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो म्यू नॉट आई बाई 2πr लिखते हैं, ठीक है ना, कि लॉन्ग वायर के कारण करंट कैरिंग वायर है, अब उसमें अगर ये मूव कर रहा है तो ईएमएफ जैसा कि अभी सर ने बताया था BVL फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों, तो एक ये वाला वायर है एक दूसरा ये वायर है, अगर हम लोग इन दोनों वायर की बात करें तो इसमें तो ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं, है ना, तो यहां पर और यहां पर सिर्फ इसकी बात करते हैं नेट ईएमएफ, क्योंकि ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। अब देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए ये डिस्टेंस जो होगा एक्स माइनस ए बाई टू लिखेंगे, और इस वाले वायर के लिए एक्स प्लस ए बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड B1 कह दे और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B2, डायरेक्ट लिख देते बच्चों B1 और B2 तो आ जाएगा ना। अब ध्यान देना, इसका EMF हम लोग मान ले यहां पर ऐसा हो ना, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, थंब इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये जा रहा है इधर, क्यू वी क्रॉस बी से हमें डायरेक्शन मिलता है, तो जब आप क्यू वी क्रॉस बी करोगे पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी एक ये बैटरी बनेगा, तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, नेट रेसिस्टेंस को एक जगह रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये ईएमएफ आप E1 मान लो, ये वाला ईएमएफ E2 मान लो, ठीक है बच्चों, तो देखो नेट ईएमएफ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, E1 - E2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E1 को आप क्या लिख सकते हो, BVL, VL दोनों के लिए सेम होगा, ये जो लेंथ है दोनों के लिए ये तो A ही है ना बच्चों, लेंथ की वैल्यू, तो हम लोग V और A को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, देखो म्यू नॉट I, यहां पे करंट कैपिटल I है, डिवाइडेड बाय 2 पाई
और जो डिस्टेंस होगा आप क्या लिख सकते हो, x माइनस ए बाई टू पहले के लिए, और दूसरे में यही x प्लस ए बाई टू आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हालांकि सॉल्व किए बगैर हम लोग अब आंसर कर पाएंगे बच्चों, x प्लस ए बाई टू लिख दिया ना, तो आप म्यू नॉट आई बाई टू पाई इसमें कॉमन ले सकते हो। यहां पर क्या आ जाएगा, 2x माइनस ए और 2x प्लस ए। ऊपर अगर एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में देखो माइनस है, तो यहां पर से ये जो x वाला टर्म है ऊपर कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो ईएमएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2x माइनस ए और 2x प्लस ए इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देखिए बच्चों आंसर इसका कौन सा है, देखो तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है क्या, 1 माइनस इसका थर्ड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे ना, मैंने जैसा कहा x कैंसिल हो जाता, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल ये हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए सर। चलिए सर, फिर चलिए बच्चों अब 18 नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं। एक आर त्रिज्या के वृत्ताकार धात्विक प्लेट एक समान कोणीय वेग ओमेगा से इस प्रकार घूर्णन करती है कि इसका तल चुंबकीय क्षेत्र बी के अभिलंबवत है ना, तो प्लेट के रिम और केंद्र के बीच विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो बच्चों इसको मैं समझने के लिए क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास में ऐसे करके कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास में, ऐसे करके हम एक मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं। अब हमें क्या कहा गया है, इसके लंबवत जो है वो घूर्णन कर रही है। तो मैंने क्या किया, अभी पहले मैं रिंग या जो भी हमारे को ये प्लेट दे रखी है वो मैंने ले रहा हूँ, मैं सिंपल इसमें क्या ले रहा हूँ, एक छोटा सा ऐसे करके एक रॉड टाइप के ले रहा हूँ, जिसका मैंने एक सिरा क्या किया, बांध दिया। एक सिरा मैंने क्या किया, इसको ऐसे जड़ कर दिया, बांध दिया, ठीक है। अगर मैं इसका एक सिरा बांध दूंगा और मैं देखूंगा कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, या इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जैसे इसको ए मान लिया, मतलब ये रोटेट कर रहा है, अभी फिलहाल अभी रोटेट नहीं कर रहा था, अभी तो मैं सिर्फ इस रॉड के लिए निकाल रहा हूँ, फिर इसको रोटेट करवा दूंगा, तो उस तरीके से हम इसको कॉन्सेप्ट करवाएंगे सर। तो मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट जो है dx लेंथ का है, अगर मैं ये निकालना चाहूं कि इसके इस सिरे और इस सिरे के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं कह दूंगा कि मान लो dE है, ये मान लो कितनी स्पीड से ओमेगा इसकी, मान लीजिए अब रोटेट करवाना है, ओमेगा से पोटेंशियल डिफरेंस, बिल्कुल बिल्कुल, ओमेगा से अगर मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, ओमेगा से अगर मैं रोटेट करवा रहा हूँ, मान लो यहाँ पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि v किसके बराबर होगा, ओमेगा x या x ओमेगा के बराबर होगा, तो मैं जानता हूँ ये किसके बराबर होता है, v b l के बराबर होता है, तो dE किसके बराबर हो जाएगा, v की जगह मैं रख दूंगा x ओमेगा, b और l की जगह मैंने क्या रख दिया है, ये x dx, ठीक है, सॉरी dx, ये कितना हो जाएगा dx, ये लंबाई हमने कितनी ली बच्चों dx, तो ये l की जगह हमने क्या ले लिया, ये इसका विस्थापन, यानी ये कितना हो गया dx। अब इसको मैं क्या ले लूंगा, d बराबर b ओमेगा x dx, ठीक है। अब मुझे तो क्या करना है भाई, मुझे तो इस l लंबाई की पूरी रॉड के लिए निकालना है ना, मुझे तो इस पूरी l लंबाई की रॉड के लिए निकालना है ना, और यहां पर क्योंकि r रॉड की लंबाई दे रखी है, तो मैं इसको l भी क्यों लिखूं, मैं तो यहां पर r लिख देता हूं, मैं तो इसको r लिख देता हूं, r लंबाई की रॉड है, इसी को घुमा दूंगा बाद में। तो अब ये इसके बीच में मैं जीरो से आर के लिए अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, तो मेरे को इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बटे दो, इसमें वैल्यू रखूंगा बच्चों, ये जीरो टू आर लिमिट रखूंगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे दो। अब बच्चों ये जो आया वो तो आया इस रॉड के बीच में, अगर मैं इस रॉड को घुमा, अगर इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में अगर रॉड घुमा, सोचो अगर मैं इस रॉड को घुमा रहा हूं, अगर मैं इस रॉड को चारों तरफ क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो ये कैसी शेप आ रही है बच्चों, ये पूरी कैसी शेप आ रही है, ये एक डिस्क जैसी शेप आ रही है, जिसके सेंटर है ये ए पॉइंट और रिम पर कोई मैंने एक पॉइंट दे रखा है बी, तो वी ए माइनस वी बेसिकली ये क्या है, ये है वी ए बी, एक पॉइंट यहां से माइनस एक पॉइंट यहां से, तो ये बेसिकली वही आंसर हो गया कि वी ए बी किसके बराबर आ गया, बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं, डिस्क की तरह बिहेव करेगा, केंद्र से और इसके रिम पर स्थित एक बिंदु के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या विभवांतर होगा वो कितना आ जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बटे दो आ जाएगा। मतलब इसमें जो है वो डिस्क को बहुत सारे रॉड से मिलकर के बना हुआ मानते हैं, ऐसे साइकिल में स्पोक्स स्पोक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको कि इसको बहुत सारे रॉड से बना हुआ मिलकर। आगे बढ़ा जाए, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें क्या लिखा है, वन कंडक्टिंग यू ट्यूब
कैन स्लाइड इनसाइड अदर एज सोन इन द फिगर. एक ये यूट्यूब है, एक दूसरा है, दोनों एक दूसरे से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. ये जो है इसके अंदर स्लाइड कर सकता है बच्चों, ठीक है. मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ट्यूब्स द मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर इफ ईच ट्यूब मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर. टूवर्ड्स द अदर यानी कि ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी, then the EMF induced in the circuit in terms of BVL, where L is width of each tube. ये जो यहाँ से यहाँ तक का effective length है बच्चों, ये L दिया हुआ. हमें क्या बताना है? EMF. ध्यान से समझना. दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम लोग ये वाला एक वायर है, ये इस direction में आ रहा है, और ऐसे मान लो ये इस direction में वायर जैसा मान लिया हमने. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ गिवन है बच्चों फिगर में, ठीक है. तो अगर ये इस दिशा में आएगा ना, इसमें जो बैटरी, अगर हम लोग इसको सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बना हुआ, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें एक ईएमएफ इस डायरेक्शन में आएगा, राइट हैंड थंब रूल से, जैसे क्यू वी क्रॉस बी करते हैं. तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ऐसे डायरेक्शन में है, ठीक है ना. तो अगर आप इस पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालोगे V क्रॉस B करके, थंब ऊपर, पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर, नेगेटिव चार्ज आएगा इधर. तो ये बैटरी की पोलैरिटी, जो इक्विवेलेंट बैटरी होगा, एक ऐसा मान लेते हैं. फिर देखो बच्चों, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. अब इसमें अगर आप V क्रॉस B करोगे तो थंब का डायरेक्शन नीचे आ रहा है, यानी इसका बैटरी ऐसा बन जाएगा. तो सेल, अब अगर मैं इस चीज की बात करूं, देखो ध्यान देना, एक सेल ऐसा और दूसरा सेल इस तरह से, ऐसा कुछ बन जाएगा. इसका भी ईएमएफ बीवीएल है, इसका भी ईएमएफ बीवीएल है, ठीक है बच्चों. तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2BVL, यानी आप इसको 2 ही कह दो ना, नेट ईएमएफ. हमें तो यही फाइंड करना है कि नेट ईएमएफ क्या है. तो आप देख सकते हो बच्चों, यहां पर नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? 2BVL, ठीक है, यानी कि आंसर इसका सेकंड हो जाएगा. तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ. देखते हैं, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पर 4000 फेरों वाली एक वृत्तीय कुंडली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0.5 गाउस के 1800 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूर्णन कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा? देखिए, कुंडली में प्रेरित जो अधिकतम विद्युत वाहक बल होता है उसका मान होता है एन बी ए ओमेगा, ठीक है सर. तो n जो है वो हमारे को क्या दे रखा है बच्चों? n हमारे को दे रखा है 4000. b जो है बच्चों हमें ये गाउस में दे रखा है, इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, तो एक गाउस के अंदर 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला होते हैं, तो ये मैंने कन्वर्ट कर लिया है. जो क्षेत्रफल है वो हमारे को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो पाई r स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर है, तो 7/100 कर लेते हैं, बिल्कुल, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, ये पाई r स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया. और ओमेगा जो हमारे को है वो दिया हुआ है 1800, तो चक्कर का मतलब है इसको रेडियन में बदला तो 2 पाई, और मिनट को अगर मैंने सेकंड में बदला तो 60. तो इसको जैसे ही हम बच्चों सॉल्व करेंगे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा 0.58 वोल्ट. आसान है बिल्कुल. आगे चलते हैं सर, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हां 0.58 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है. आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 21. देखो बच्चों ध्यान देना, 21 में क्या लिखा है? A coil of n turns and mean cross sectional area A is rotating with uniform angular velocity omega about an axis at right angle to uniform magnetic field B. The induced EMF in the coil will be. ध्यान से समझना बच्चों, अगर हम लोग एक coil की बात करें तो उसके लिए देखो flux क्या होता है? N B A cos omega t, मतलब B dot A लिखते हैं हम लोग, और n नंबर ऑफ टर्म्स है. अब हमें क्या फाइंड करना है? EMF. तो EMF को आप माइनस डी फाई बाई डी टी लिखोगे बच्चों. यहां पर एन बी ए ये तो कॉन्स्टेंट ही है, कॉस को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस, और पहले से माइनस था ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल साइन ओमेगा टी, और यहां पर हम लोग चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगा करके फिर से जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक और ओमेगा आ जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, फोर्थ इसका करेक्ट. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22. हाँ, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों. जब 1 मीटर त्रिज्या और 100 चक्रों की एक वृत्तीय कुंडली को समरूप क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में गुणित किया जाता है, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान 100 वोल्ट हो जाता है.
इस कुंडली को खोलकर पूरे 2 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली बनाई जाती है। इसे समान परिस्थितियों में समान चाल से घूर्णित किए जाने पर उत्पन्न विद्युत बल का नया शिखर मान क्या होगा, ये पूछा है। तो बच्चों देखो, शिखर मान जो है वो हमारे को दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो ई नॉट का मान जो हमें दिया हुआ है जो होता है एन बी ए ओमेगा, ये हमारे को दिया हुआ है 100 वोल्ट। स्टार्टिंग के अंदर हमारे को कितना दिया हुआ है, ये 100 वोल्ट दिया हुआ है। 100 चक्रों की कुंडली है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हम 1 मीटर त्रिज्या लेते हैं तो हमने 100 चक्कर बांधे, तो जाहिर सी बात है जब मैं इसकी त्रिज्या 2 मीटर कर दूंगा तो चक्कर कम बनेंगे। भाई 1 मीटर के अंदर, जैसे 1 मीटर है इसके ऊपर मैं चक्कर बांध रहा हूं तो 100 चक्कर है, लेकिन अगर ये मोटा कर दूंगा तो चक्कर कम बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो 100 चक्कर है और एक चक्कर में कितनी इतनी लंबाई हम क्या करते हैं 2πr के बराबर लंबाई कंज्यूम करते हैं, तो ये जो पूरी लंबाई है इसको मैंने मान लिया कितनी है l, r हमें दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा कितना 200π। अब इससे मैं 2 मीटर त्रिज्या की एक 2 मीटर त्रिज्या के ऊपर अगर मैं कॉइल के ऊपर बांध रहा हूं, ठीक है, 2 मीटर त्रिज्या की कॉइल पे बांध रहा हूं तो कितने चक्कर बनेंगे, तो मान लो n चक्कर बनेंगे या n डैश चक्कर बनेंगे, तो 2π r की जगह मैंने लिख दिया 2 और टोटल लंबाई कितनी थी मेरे पास 200π। तो इसका मतलब है n डैश हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 200π बटे 4 × π। तो बच्चों कितने चक्कर बन रहे हैं ये 50 चक्कर। तो अब मेरा जो नया वाला जो हमारे पास में, इसको तो मैंने क्या लिख दिया, इसको जैसे प्रीवियसली तो मैंने क्या लिखा कि भाई हमारे पास 100 चक्कर है, बी का मान जो भी हमें दे रखा है वो हम ले लेंगे, नहीं तो हम सिंपल क्योंकि दूसरे में भी बी आना है तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं, पाई इंटू एक स्क्वायर क्योंकि 1 मीटर त्रिज्या दी हुई है गुणा 2πf या ओमेगा डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर है बच्चों, 100 के बराबर है। अभी दोबारे जब मैंने ई डैश लिया नया वाला शिखर मान, नया वाला शिखर मान, तो अभी हमारे पास चक्कर कितने आ रहे हैं बच्चों 50 गुणा बी गुणा पाई, इसको 2 स्क्वायर कर दी क्योंकि 2 मीटर त्रिज्या इनटू ओमेगा। अब मैंने इसको अगर भाग दे दिया, अगर मैंने इसको भाग दे दिया यहाँ पर मान लीजिए ई नॉट डैश रख देता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा देखो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 1/4, तो ये कितना बच जाएगा 1/2, तो 100 बटा E0 डैश। तो यहाँ से बच्चों ई नॉट डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 200। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारे पास में, इसका सेकंड आंसर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 23। देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, 2 आइडेंटिकल इंडक्शन कॉइल ईच ऑफ इंडक्टेंस L जॉइंड इन सीरीज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट द वाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ वन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर, वट इज द नेट इंडक्टेंस। देखो बच्चों, जनरली इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सीरीज में है तो हम लोग क्या लिख देंगे, L1 प्लस L2 और 2L आंसर कर देंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वाइंडिंग अलग अलग है। हम लोग फॉर्मूला जो लिखते हैं बच्चों फ्लक्स का, ये L × I लिखते हैं, तो एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप L को phi by I लिखते हो ना, तो L1 प्लस L2 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2, तो एक में तो पॉजिटिव आएगा दूसरे में ये नेगेटिव आ जाएगा, नेट इंडक्टेंस की बात करें ये 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 2, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया 23। 24 में देखो बच्चों क्या लिखा है, अ कॉइल एंड अ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ डीसी सोर्स, अ सॉफ्ट आयरन कोर इज देन इंसर्टेड इन द कॉइल। देन अब पहले आप ऐसा मान लो कि ये एक कॉइल है और उसके साथ एक बल्ब है, बल्ब को हम लोग रेसिस्टेंस जैसा मान लेते हैं बच्चों। अब यहां पर क्या होगा कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर इसमें हम लोग इंसर्ट करें, पहले मान लो ये एल है ये आर है, इंपेडेंस की बात करें स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है ना, ठीक है। अच्छा, डीसी सोर्स है क्या, कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो जब डीसी सोर्स के साथ जुड़े हुए इसका मतलब पहले क्या था, सिर्फ यहां पर एक रेसिस्टेंस आर था, ठीक है बच्चों, ये तो कैसा बिहेव करेगा, एक कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव करेगा। अब क्या, जैसे ही इसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं तो सॉफ्ट आयरन कोर डालने के कारण अब ये इंडक्टेंस बदल गया ना, इसका सेल्फ इंडक्टेंस बदलेगा, और सेल्फ इंडक्टेंस जैसे ही बदलता है करंट
चेंज हो जाएगा। हम लोग ऐसे लिखते हैं बच्चों, एल वन आई वन इज इक्वल टू एल टू आई टू, सडन चेंज को ये अपोज करता है, ठीक है। अब अगर इंडक्टेंस, जैसे ही आप इसमें सॉफ्ट आयरन कोट डालते हो क्या होगा, इंडक्टेंस इसका बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम हो गया तो बल्ब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ बल्ब डिक्रीज, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े जाए सर, ये तो क्वेश्चन नंबर 24 था। 25 में देखो बच्चों, यूनिट हमें फाइंड करना है किसका, इंडक्टेंस का। अगर हम लोग फाई की वैल्यू लिखते हैं एल आई, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ईएमएफ आ जाता है माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब इसका यूनिट हो गया यहां पर वोल्ट, एल का हमें यूनिट फाइंड करना है यहां पर एम्पियर और यहां सेकंड, तो आप क्या लिख सकते हो, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो इस जगह देखो बच्चों, अब हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं, यहां पर वोल्ट आ गया, ये साथ में सेकंड आ जाएगा और डिवाइडेड बाय एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इसका थर्ड आंसर का है। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए सर, क्वेश्चन नंबर 26। एक लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरण में वृद्धि नहीं हो सकती, तो मैं पहले तो ये बता दूं कि स्वप्रेरण का जो सूत्र है वो क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट, अगर मान लीजिए हमने कोई माध्यम परिवर्तित कर रखा है तो आर म्यू आर एन स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देंगे ए बटा एल, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बटा एल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। उसकी लंबाई बढ़ाने से फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अधिक पारगम्यता के माध्यम में परिवर्तन करने से फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। विद्युत धारा बढ़ाने से कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, जी नहीं, विद्युत धारा का यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि विद्युत धारा का कोई भी फैक्टर हमारे इस फॉर्मूले में नहीं है। इसका मतलब हम देखिए, पूछा एक लंबी प्रणाली में स्वप्रेरण में वृद्धि नहीं हो सकती है, तो विद्युत धारा अगर आप बढ़ा भी देंगे तो स्वप्रेरण में वृद्धि नहीं होगी, इस फॉर्मूले से ये सिद्ध हो जाता है बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं बच्चों। 27 में देखो क्या लिखा है, इन अ चोक कॉइल द रिएक्टेंस एक्सएल एंड रेजिस्टेंस आर सच दैट। चोक कॉइल में एक्चुअली क्या होता है, ये इंडक्टिव सर्किट होता है बच्चों, और बल्ब के साथ जनरली इसको हम लोग जो यूज करते हैं रेजिस्टेंस के साथ, यानी फ्लोरोसेंट लैंप है, जैसे अब कहते हो ना ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हम लोग बोलचाल के भाषा में कहते हैं, तो ट्यूबलाइट के साथ अगर आप एक इंडक्शन कॉइल को लगाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, बिना एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम किए हुए ये वोल्टेज को करंट को कम करता है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है। उसका जो एक्सएल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रेसिस्टेंस नहीं के बराबर होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एक्सएल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, ये चोक कॉइल का कंडीशन है। बिल्कुल बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, इसको देखते हैं, 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक आदर्श कुंडली एक 5 ओम प्रतिरोध तथा 5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है, जोड़ने के 10 सेकंड बाद परिपथ में धारा का मान एम्पियर में कितना होगा, ये हमसे पूछा गया, एम्पियर में कितना होगा, ठीक है। तो हम पहले तो आई नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, जो इसका अधिकतम मान है वो हो गया हमारे पास वी, वी हमारे को दे रखा है 5 वोल्ट, आर आर का भी दे रखा है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एम्पियर। अब इसके लिए हम सूत्र यूज कर सकते हैं, किसी टाइम टी सेकंड पर परावर्तित धारा का अगर हम परिवर्तित होने वाली धारा का अगर हम मान निकालना चाहें तो आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। यहां पर हम सारी वैल्यू रख देते हैं, आई नॉट की वैल्यू है 1 बच्चों, यहां पर हमने भी कैलकुलेट कर ली थी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर का मान हमें दे रखा है बच्चों 5, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद देखना है, और एल का मान हमारे पास है 10, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के बन जाएंगे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, और हमारे पास में बच्चों इसका सिंपल सा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या लिखा है, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस 2 एम्पीयर टू माइनस 2 एम्पीयर इन 0.05 सेकंड एंड ईएमएफ ऑफ 8 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज। देखो बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, फ्लक्स जो है ना ये एल इंटू आई, तो जब ईएमएफ लिखोगे एल डी आई बाई डी टी, या सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। ईएमएफ यानी कि जो यहाँ पर गिवन इक्वेशन में वो 8 वोल्ट है, सेल्फ इंडक्टेंस तो हमें फाइंड करना है, और व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम प्लस 2A टू माइनस 2A, तो देखो बच्चों चेंज इन करंट की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 4 एम्पियर, और डिवाइडेड बाय यहां पर टाइम लिख देते हैं, टाइम है 0.05,
अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.4 हो जाएगा L into 4, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? 0.1 हेनरी. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल सर. ठीक है सर, आगे देखें. आगे देखते हैं 30 नंबर प्रॉब्लम, देखते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 30 है, बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों. ये आपके जो लास्ट एग्जाम था उसके अंदर भी कुछ इस तरह का एक प्रॉब्लम आपसे पूछा गया था. तीन हेनरी के प्रेरकत्व में चित्र में दिखाए अनुसार जोड़े गए प्रेरक का प्रेरकत्व का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं. कुछ इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं. समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, सॉरी, हाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं बच्चों. ओके, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में जुड़े हैं. तो ये हो गया एल, ये भी एल और ये भी एल. तो इसके लिए जो हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एल बाई एन. कितने जुड़े हुए हैं यहाँ पर? तीन. तो ये कितना हो जाएगा? एल बाई थ्री. एक का जो आप का जो प्रेरकत्व है वो है तीन. तो ये तीन बटे तीन कितना हो जाएगा बच्चों? एक एंट्री. सिंपल सा सवाल था, एल बाई एन कर देंगे क्योंकि बराबर बराबर है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं. ठीक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं सर. ये क्वेश्चन नंबर 30 था. 31 में देखें क्या लिखा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट. देखो बच्चों, हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं इंडक्शन फर्नेस में जो ओर्स होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए एडी करेंट से जो हीट एनर्जी मिलता है इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है. गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग की जो बात की थी हमने, एक एग्जांपल लिया था कि एक शीट है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है और हीट एनर्जी के फॉर्म में वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू, आप कह सकते हो ना, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट. ठीक है, तो एडी करंट के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है. तो वही डैम्पिंग हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में, स्पीडोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं. अगर नीडल इस तरह से मान लो एक जगह गया और बार बार इस तरीके से ऑसिलेट करने लग गया, तो एक बार में एक्यूरेट रीडिंग कैसे मिलेगी? तो अच्छा है कि वो एक जगह से गया यहाँ पर रीडिंग दे गया. ठीक है ना बच्चा, तो ऑसिलेशन को डैम्प करना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सरेज क्रिस्टलोग्राफी जो है बच्चों, इसमें एक्सरेज का यूज करते हैं. नाम से क्लियर है स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करने के लिए. तो यही है जिसमें हम लोग एडी करेंट का यूज नहीं करते. बिल्कुल सर, सिंपल. आगे बढ़ते हैं सर. तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों, ये 32 नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है. व्यवहार में प्रयुक्त ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति क्या होगी. दिया भी हुआ है कि जो इसकी जो एफिशिएंसी है वो एक से कम है. तो व्यवहार का मतलब वो होता है बच्चों जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, और हम जानते हैं प्रैक्टिकली कभी एफिशिएंसी हमारी 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती है. अच्छा, एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो ये कोई भी किसी भी चीज की, दुनिया में किसी भी चीज की अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो हमेशा इनपुट बाई आउटपुट होती है. इनपुट बाई आउटपुट जो है वो हमेशा क्या निकलेगा? कम निकलेगा. और इनपुट जो है हमेशा क्या निकलेगा? वो ज्यादा होगा. यानी इनपुट हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा. निवेश जो है वो हमें ज्यादा करना पड़ेगा. आउटपुट हमारा क्या निकलेगा? तो इसका मतलब क्या होगा? अगर हमसे पूछा है व्यवहार में ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति यानी आउटपुट, ये हमेशा क्या होगा? इनपुट से यानी निवेश शक्ति से क्या होगा? कम होगा. तो हमारा थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट, करेक्ट हो जाएगा. यानी ये थर्ड हो गया. अब आगे बढ़ा जाए. आगे बढ़ते हैं सर. ये तो क्वेश्चन नंबर 32 था. 33 देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है. क्वांटिटी डेट रिमेन्स अनचेंज इन अ ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस. यानी एक में फ्लक्स चेंज हुआ, दूसरे में भी उससे लिंक्ड फ्लक्स जो होता है बच्चों चेंज होता है. लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो जिस रेट से चेंज हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होती है. बाकी और चीजें जो है स्टेप अप स्टेप डाउन, ये तो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करेगा करेंट. और ये दोनों चीजें ये चेंज होती है नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, ये था 33. आगे चलते हैं बच्चों. यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 500 फेरे हैं. तो यानी हमारे पास जो 500, ये जो हमारी प्राथमिक कुंडली है जिसको मैं कह दूंगा पी, इसके अंदर कितने फेरे हैं? 500. एवं द्वितीय कुंडली में 5000 फेरे हैं. यानी कि NS जो दे रखा है वो मुझे क्या दे रखा है? 5000 दे रखा है बच्चों. तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका 5000. ठीक है, इसके बाद प्राथमिक कुंडली को 20 वोल्ट दिया जाता है. तो प्राथमिक कुंडली के लिए मैंने लिख दिया EP, ये कितना है हमारे पास में? 20 वोल्ट है. और हमें निकालना है कि द्वितीय कुंडली में क्या प्राप्त होगा. यानी द्वितीय कुंडली का पहले तो हम निकाल लेंगे कि पोटेंशियल यानी कि इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कितना प्राप्त होगा, और उसके बाद हम इसकी आवृत्ति निकालेंगे. तो बच्चों हम जानते हैं कि ES by EP ये किसके बराबर होगा? NS / NP के बराबर होगा.
तो हमारे पास में ES की जो वैल्यू है वो मेरे को कैलकुलेट करनी है, EP की वैल्यू 20 दे रखी है, NS की वैल्यू हमारे पास में 5000 दे रखी है और NP की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, 500 दे रखी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैंसिल होकर के 10 आ जाएगा और ES का मान कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। तो एक तो ये आ गया हमारे पास आंसर कि इसका 200 वोल्ट आएगा आंसर, यानी ES की जो हमारे पास में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट। अगर आवृत्ति की बात करें बच्चों तो आवृत्ति कभी परिवर्तित नहीं होती, आवृत्ति अगर आप कुंडली एक प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में अगर आप इसको यूज करना चाहेंगे तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन ये आ गया। ये जो रेशियो है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 था। 35 में देखो बच्चों क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफॉर्मर इज 3:2। इफ द पावर आउटपुट बी पी देन द इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू। ध्यान देना बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस। अभी अभी जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, जनरली क्या होता है आउटपुट हमेशा कम होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली ये मेंशन किया गया कि आप लॉस को कंसीडर ही मत करो। तो जब लॉस कंसीडर नहीं कर रहे तो जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट हो जाएगा। पावर इसके लिए देखो आउटपुट पावर क्या होगा, इफ द आउटपुट पावर बी पी तो इनपुट पावर भी जो होगा वो भी इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं। अब आगे बढ़े, ये क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से समझना। इसमें क्या लिखा बच्चों, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय बी इक्वल्स टू, इसको आप बी नॉट मान लो, बी नॉट साइन ओमेगा, या आप इसको चलो जैसे भी लिखा है 2π × 2×10⁻¹⁵ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करके kx, ऐसा ट्रेवलिंग वेव है। देन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। देखो बच्चों ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पीक वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ये पीक वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आप इसमें बस वैल्यूज को पुट कर देना, 100 × 10⁻⁶ है और स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸। तो 3×10⁸ अगर आप लिखते हो, देखो ये कितना हो जाएगा 10 और −6 यानी 10⁴ आ जाएगा, 3×10⁴। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 36 था। 37 नंबर प्रॉब्लम है, एसी परिपथ में वी और आई के मान निम्न है, ये दिया हुआ है 100 sin 100t volts और i = 100 sin 100t + π/3 mA। यहाँ पर मिली में दे रखा है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है बच्चों। तो परिपथ में शक्ति का क्षय क्या होगा, तो हम जानते हैं परिपथ में जो शक्ति का क्षय होता है वो होता है ERMS IRMS × cos φ, जहाँ cos φ जो होती है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है, कला कोण होता है। अब ERMS की जगह मैं लिख सकता हूँ E0/√2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ I0/√2, जहाँ I0 और E0 करंट या फिर वोल्टेज की पीक वैल्यूज है ना, cos φ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E0 I0/2 cos φ। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला हो गया। इसके अंदर अगर मैं वैल्यूज रखता हूँ तो मैं कैसे रखूंगा, देखिए जरा ध्यान से, E0 यानी पीक वैल्यू ये कितनी हो गई हमारे पास 100, I नॉट यानी पीक वैल्यू ये भी कितनी है 100, लेकिन क्योंकि ये मिली में है इसलिए मैंने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, बटे 2। और cos φ मतलब इसमें फेज डिफरेंस देखिए कितने का है, यहाँ भी 100t यहाँ भी 100t, तो ये तो माइनस हो जाएंगे, बचेगा कितना 60 या 60 डिग्री कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे पास में कितना आ गया बच्चों, देखिए 10⁻³ है तो 10⁻³ ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 10/2 यानी 5 बच जाएगा और इसकी वैल्यू बचेगी 1/2, तो ये बच जाएगा 2.5 वाट, इतना शक्तिशाली हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा बच्चों, ये तीन नंबर ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 38 देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है। 38 में एक पावर डिसिपेटेड, एक LCR सर्किट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा, पावर डिसिपेटेड इन एन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF ES। तो अगर हम लोग बात करें पावर की, पावर होता है
आई स्क्वेयर आर, यहां पर आई आर एम एस ले सकते हैं, है ना, ये पावर ऐसा ही होगा। ठीक है बच्चों, इसी करंट के लिए हम लोग, वैसे आप ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, और इसी को रिड्यूस करके हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो ध्यान देना, आई आर एम एस का क्या मतलब हो जाएगा, अगर आप ई आर एम एस डिवाइडेड बाई इम्पिडेंस लिखते हो, तो इम्पिडेंस में क्या क्या टर्म आएंगे, एक तो आर स्क्वायर आएगा, दूसरा एक्सएल और एक्ससी, बिल्कुल एक्सएल माइनस, तो एक्सएल को हम लोग ओमेगा लिख देते हैं और एक्ससी को 1 बाई ओमेगा सी, ये आ गया करंट। अब इसका स्क्वायर कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर चेक करो कि कौन सा आंसर आता है, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, तो ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, देखिए ऑप्शन ई आर एम एस, यहाँ पर यही वैल्यू, ई की वैल्यू, ये आर एम एस वैल्यू दी हुई है ना, ई के रूप में, तो ई स्क्वायर आर आ गया बच्चों, और डिवाइडेड बाय, देखो ध्यान देना, ई स्क्वायर आर और डिवाइडेड में ये जो टर्म है इसमें रूट नहीं है, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा और ओमेगा सी स्क्वायर, यानी इसमें रूट नहीं, ये वाला पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, दूसरा और तो कोई आंसर है नहीं, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 38 था, अरे बच्चों अब देखते हैं 39 नंबर प्रॉब्लम। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा एक प्रतिरोध पर आरोपित की जाती है, तो तात्क्षणिक विभव का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो तात्क्षणिक विभव का मान हमें निकालना है, 220 वोल्ट हमारे को क्या दे रखा है इसका, ई आर एम एस का मान दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास में इसका मतलब है वी आर एम एस का जो मान दे रखा है हमारे को, वो कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 220 वोल्ट, और हम जानते हैं वी आर एम एस किसके बराबर होता है बच्चों, ये होता है वी नॉट, यानी पीक वैल्यू बटे रूट दो के बराबर, तो यहाँ से पीक वैल्यू का मान कितना आ जाएगा, 220 गुणा रूट दो, तो ये हमारे पास बच्चों इसके पीक वैल्यू का मान आ जाएगा। और हम जानते हैं अगर स्टैंडर्ड समीकरण की बात करें तो वो होती है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, या इसको लिख सकते हैं 2πf इंटू टी, कैसे लिख सकते हैं जो भी आपकी मर्जी, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट का मान कितना आ गया, 220 अंडर रूट दो साइन 2π। अब जरा f का मान देखते हैं, f का मान कितना दिया बच्चों, 50, तो 50 इंटू दो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 100π 2πft, और यहां लिख देता हूं 100π इंटू टी। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, देखो बच्चों जनरली, हां इसका आंसर तो ये होना चाहिए 220 sin 220 रूट 2 sin 100π t। अब इसमें क्या है, जब तक क्वेश्चन में कुछ और मेंशन नहीं किया इसका मतलब ये आरएमएस ही मानना है, वो ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर कुछ और नहीं दिया तो ये आरएमएस है, और तो इसलिए ये वाला तो होगा नहीं, और चारों ऑप्शन साइन में दिया है तो फिर ये कंफ्यूजन भी नहीं है कि साइन होगा या कॉस होगा, कॉस होगा, तो इनिशियल फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल फेज कांस्टेंट क्या है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 39 था, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे को दे रखा है, एक एसी परिपथ में धारा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 द्वारा दी जाती है, इस परिपथ में आरोपित एसी वोल्टेज E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी है, तो परिपथ में वह शक्ति कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो इन दोनों में आप जरा कंपेरिजन कीजिए, तो आपको नजर आएगा कि जो इनके बीच में जो कालांतर है वो कितना है, पाई बाय 2 का है, इनके बीच में जो कालांतर है वो क्या है, पाई बाय 2 का, जिसके अंदर धारा इस वोल्टेज से कितना पाई बाय 2 पीछे है, तो कालांतर कितना ही है। हमसे शक्ति व्यय पूछा है, शक्ति व्यय हम जानते हैं कितना होता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, कॉस फाइव, पाई की जगह हमने कितना रख दिया, पाई बाय 2। बच्चों कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, इसलिए शक्ति का मान भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो सिंपल इसका आंसर क्या बन जाएगा, फोर्स शक्ति हमारे पास कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आगे चले सर, बिल्कुल सर, यहाँ पर देखो बच्चों ये 90 डिग्री फेज लैग कर रहा है, यानी इंडक्टर है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, तो हम लोग जो वॉटलेस करंट की बात करते हैं वैसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 41, देखो बच्चों 41 में क्या लिखा है, एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ई इक्वल्स टू 200 साइन 100 टी इज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ resistance R equals to 30 ohm and an inductor of 400 millihenry, the power factor of the circuit is, देखो बच्चों power factor यानी हमें क्या चाहिए, cos phi की value चाहिए, जिसको R by Z हम लोग लिखते हैं, power factor जो होता है ये cos phi लिखते हैं, R by Z, Z यहाँ पर impedance है, तो अब देखो एक तो R square होगा और एक inductor है ना इसमें लगा हुआ, तो आप लिख सकते हो R square plus omega L का square, ठीक है, R तो 30 है
ओमेगा एल की वैल्यू फाइंड कर ले बच्चों, ये 100 दिया हुआ है ओमेगा, तो ओमेगा एल जिसको हम लोग एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या हो जाएगा 100 इंटू, अब इसको आप 400 मिली हेनरी है 10^-3 कर दो तो 30 इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 40, तो 40 और 30 है यानी कि नीचे 50 हो जाएगा जबकि ऊपर 30 रहेगा, तो ये 0.6 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये 41 था। आगे बढ़ते हैं बच्चों 42 पे। हाँ आवर्धक होता है कि वोल्टेज के या करंट का हम क्या करते हैं उसको उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाने का काम करते हैं, धारा आवर्धन भी कुछ इसी तरीके का काम करता है, तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा दिष्ट करंट, या इसको कह सकते हैं रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखो बच्चों क्या लिखा है इसमें, इन द ट्रांसमिशन ऑफ एन एसी पावर, इसको मिटा देते हैं ना, एसी पावर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप एन टाइम्स द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। ध्यान देना बच्चों हम लोग एसी का जब यूज कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन के लिए तो जरूरी यह है कि पावर लॉस कम से कम हो, तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जिसमें वोल्टेज बढ़ता है करेंट कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग पावर के लिए आई स्क्वायर आर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर V1 I1 था पहले स्टेप अप होने से पहले, बाद में V2 I2 हो गया, ठीक है ना, तो ये करंट कम करने के लिए हम लोग वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अब यहां से आप अगर ये टर्म क्या है, ये तो पावर के बराबर है, जो पावर हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, हालांकि लॉस तो होता है लेकिन बहुत कम होता है, एफिशियंसी 95% के अराउंड होती है, हम लोग पावर को कांस्टेंट रख दें, ये जो करंट होगा बच्चों ये पी बाय वी लिख सकते हैं यानी वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया जो वोल्टेज है। अब अगर आप पावर लॉस, ये पावर लॉस है और ये ट्रांसफार्मर का पावर है, दोनों अलग अलग चीज है बच्चों, अब आई की वैल्यू आप यहां पर पी बाय वी लिख दो स्क्वायर करने पर ये कैसा आ जाएगा, पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या लिखा, वोल्टेज को हम लोग एन टाइम्स कर रहे हैं, तो एन टाइम्स अगर कर देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, एन स्क्वायर गुना हो जाएगा लेकिन कम होगा, तो एन स्क्वायर गुना घटेगा, बिल्कुल सर ये हो जाएगा इसका आंसर, आसान है बिल्कुल बच्चों। आगे बढ़ते हैं सर 44 नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं बच्चों, ये 44। हाँ इसमें देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, एक एसी परिपथ के अंदर वोल्टेज दे रखी है 5 sin 100πt-π/6 और धारा दे रखी है 4 sin 100πt+π/6। क्वेश्चन में हमसे पूछा है वोल्टेज अग्रगामी है या धारा अग्रगामी, कुछ इस तरीके के दिए हुए हैं, तो हमें ये फेज डिफरेंस से कलर कोड से पता लगता है, तो आगे जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर हमें नहीं जाना, खाली ये देखो ये इन दोनों के फेजेस हैं, तो इनका फेज डिफरेंस निकालते हैं, पहले सोचते हैं कि आई का वी के साथ फेज डिफरेंस निकालते हैं, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो यानी 100πt+π/6 ये तो किसकी है, धारा की, ठीक है ये तो धारा के लिए, इसको मैंने माइनस कर दिया किसमें से 100πt-π/6 से, तो मेरे पास में कितना आ गया देखो 100πt 100πt तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 2π/6 या फिर क्या बच जाएगा π/3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि धारा और करंट के बीच में निकाला, यानी धारा जो है वो इस वोल्टेज से π/3 क्या है 60 डिग्री क्या है आगे है, अग्रगामी है, तो धारा वोल्टेज से 60 डिग्री क्या है अग्रगामी है, ये आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 45 में आ जाओ बच्चों। 45 में देखो क्या लिखा है, अ सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, आरसी सर्किट है, कंसीडर टू सिचुएशंस व्हेन कैपेसिटर इज एयर फिल्ड व्हेन कैपेसिटर इज माइका फिल्ड। एक बार हम लोग एयर को रखते हैं तो कैपेसिटेंस ऐसा लिख दें सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, बाद में माइका को रख दिया, माइका की जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है बच्चों, बिल्कुल सर, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अगर हम लोग लिख दें के टाइम्स हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या लिखा है इसमें, करंट थ्रू रेसिस्टर आई एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज वी। अब रेसिस्टर से करंट फ्लो हो या आपके लोग कैपेसिटर से, दोनों तो सीरीज में है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों में एक ही करंट जाएगा, ये समझ में आया ना, सीरीज में इसलिए
लेकिन वोल्टेज अलग अलग हुआ, तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज भी है और रेसिस्टर या कैपेसिटर दोनों से श्रेणी क्रम में है ना, इसलिए दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट और वोल्टेज का रिलेशन चेक करना है। तो देखो ध्यान देना, कैपेसिटर माइका के केस में यानी आप ऐसे लिख सकते हो कि सी बी जो है ये ज्यादा होगा सी ए के कंपैरिजन में, कैपेसिटर ज्यादा हो गया कैपेसिटर से, ठीक है। अब कैपेसिटर का जो हम लोग रिएक्टेंस लिखते हैं वो 1/ωC होता है, ठीक है, एक्स को 1/ωC। तो सी को अगर आप बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर सेकेंड केस में ये कैपेसिटेंस ज्यादा है तो सेकेंड केस का रिएक्टेंस कम हो गया। रिएक्टेंस जैसे ही कम होगा करंट की अगर हम लोग बात करें करंट बढ़ जाएगा, तो आई बी ग्रेटर देन आई ए होना चाहिए जबकि यहां पर उल्टा लिखा है, तो ये गलत हो गया। अब उसके बाद ये तो चलो हमें ए और बी के बीच पोटेंशियल लिखना है, बच्चों पोटेंशियल को कंपेयर करने के लिए हम लोग यहां पर ऐसे लिख देते हैं। देखो पोटेंशियल हो जाएगा, इसको एक बार मिटा देना, ये हो गया। अब पोटेंशियल का हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो देखो बच्चों ये जो पोटेंशियल लिखा है ये क्या, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर लिखा है, ठीक है बच्चों। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब देखो आई को आप क्या लिख सकते हो, अगर ईएमएफ है तो ई बाई जेड, और जेड की वैल्यू हम लोग ये आरएमएस वैल्यू है, डायरेक्ट ई से आप समझ जाओगे बच्चों, ठीक है। जेड को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 यहां पर 1/ωC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और ये 1/ωC। तो अगर आप 1/ωC को कॉमन ले लो e डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1+ωRC आता है, ध्यान से समझना। जैसे ही कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, माइका जब आप फिल कर रहे हो, माइका फिल करने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, और पोटेंशियल कम ये फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये दिया हुआ एसी परिपथ में केवल एक संधारित्र लगा हुआ है तो उसकी धारा किस तरीके से वोल्टेज के साथ में कालांतर रखेगी। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास में E की वैल्यू होती है वो होती है E नॉट साइन ओमेगा टी, या V के रूप में भी लिख सकते हैं। और बच्चों जो धारा की जो हमारे पास में वैल्यू होती है अगर केवल एक संधारित्र लगा हुआ हो तो वो होती है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 90 डिग्री। इनको आपको याद रखिएगा इनको ऐसे ही। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये इस वोल्टेज के साथ पाई बाई 2 आगे चल रही है, तो कला में वोल्टेज पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ठीक है, लीड हो जाएगी। तो इसको आगे बढ़ते बच्चों, देखो बच्चों 47 में क्या लिखा है, द रेसिस्टेंस ऑफ एन आरएल सर्किट इज 10 ओम एंड ईएमएफ ई नॉट अप्लाइड across the circuit at omega equals to 20 radian per second if the current in the circuit is I not by root 2, I not की value क्या है, E not by R, maximum value, ठीक है ना, जो resonating condition में हम लोग लिखते थे वैसा कुछ है, ठीक है। What is the value of L? तो अब देखो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले तो R की value क्या दी हुई है, 10 ohm given है, omega given है, तो हम लोग एक्स एल को ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। अब पीक वैल्यू देखो, आई नॉट बाई जेड दिया है तो आप क्या लिख सकते हो, ये आई नॉट की वैल्यू हम लोग पहले तो ई नॉट बाई आर लिख देते हैं अलग से, ठीक है। अब आई की वैल्यू अगर लिखे या लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चों, बिल्कुल। अब इसमें से आर को आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्सएल बाई आर का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, आई नॉट बाई रूट 2 के इक्वल है। तो हम लोग इसको पहले आई नॉट लिख देते हैं, आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्सएल बाई आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसको आप
I नॉट बाई रूट टू के इक्वल कर दो, इसको अब मैं मिटा देता हूं, I नॉट बाई रूट टू ये I नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस XL बाय R का स्क्वायर है, I नॉट से I नॉट कट जाएगा, ये रूट टू के इक्वल है यानी XL इक्वल्स टू R आ जाए। बिल्कुल, अब XL है ओमेगा इनटू L, तो आप L को क्या लिख सकते हो, R बाय ओमेगा। अब वैल्यूज को पुट कर देना है, देखिए क्वेश्चन में R की वैल्यू 10 गिवन है और ओमेगा की वैल्यू 20 है, यानी कि ये 2 आ जाएगा, नहीं 0.5 आ जाएगा ना, बिल्कुल 0.5 आ जाएगा, यानी इसका फोर्थ आंसर करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों आगे वाला, किसी एसी स्रोत द्वारा परिपथ को दी गई शक्ति का मान अधिकतम कब होगा। हम जानते हैं अनुनाद की स्थिति में, रेजोनेंस की स्थिति में ऐसा होता है, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर हो जाता है एक्ससी के और ओमेगा एल बराबर हो जाता है 1/ωc के। तो बच्चों अनुनाद में धारा अधिकतम हो जाती है, विभव अधिकतम हो जाता है और हमारा जो शक्ति है वो भी क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, तो ओमेगा L बराबर 1/ωc हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 49 में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इन द गिवन सर्किट विल बी। अब ये एक सर्किट दिया है, रेसिस्टर के अक्रॉस 80 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां पर 100 वोल्ट है, यहां पर 40 वोल्ट है, तो इन दोनों में 180 डिग्री का फेज चेंज होता है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं EMF is equals to VR square plus यहां पर VL minus VC का square, ऐसा लिखते हैं बच्चों। बिल्कुल ठीक है, तो अब देखो VR यहां पे क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, VL minus VC देखो 40 है और 100 है, डिफरेंस 60 का है, स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नेगेटिव लिखो पॉजिटिव लिखो ये सॉल्व करके आ जाएगा 100 वोल्ट, तो ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर। यहाँ पर बस पोटेंट ये फेज डिफरेंस का ध्यान रखना है, अगर हम लोग जैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, तो इस तरफ मान लो वी आर है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग वी सी और वी एल लिख देते हैं, बस इतना ही है आसान। ये वी सी इधर आ जाएगा क्योंकि करंट इसमें लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और इसमें जो है करंट लैग करता है, ठीक है ना बच्चों, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो बस आपको 90 डिग्री लेना हो गया, तो आंसर 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है किसी शुद्ध पेरेकीय परिपथ में धारा, तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर एक शुद्ध संधारित्र लगा रखा हो किसी परिपथ में, वैसे एक शुद्ध पेरेकीय परिपथ में धारा, तो यहाँ पर जो धारा होगी, अगर मैं जो हमारे पास में वोल्टेज है उसको अगर मैं ले रहा हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इसमें धारा क्या हो जाती है पीछे 90 डिग्री पीछे हो जाती है ना, तो इंडक्टर में 90 डिग्री लेफ्ट करेगा करंट और कैपेसिटर में आगे आ जाएगा। हाँ ठीक, तो इसके अंदर हमारे पास में जो विद्युत वाहक बल है उससे धारा क्या रहती है पीछे 90 डिग्री क्या रहती है पीछे रहती है, सेकंड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा करंट ऑप्शन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन नंबर 51 इसमें लिखा है पावर फैक्टर ऑफ LCR सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेटिंग कंडीशन में जैसा कि सर ने कहा XL और XC बिल्कुल दोनों इक्वल होते हैं, तो अगर हम लोग Z की वैल्यू लिखे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, सिंपल R के बराबर R के इक्वल आ गया, पावर फैक्टर की बात करें तो R बाई Z दोनों इक्वल है 1 हो जाएगा, बिल्कुल तो आगे बढ़ा जाए, ये तो सिंपल ही है मेरे ख्याल से, सब बच्चों ने सॉल्व कर ही लिया होगा इस क्वेश्चन को। 52 नंबर प्रॉब्लम हमें दे रखा है, एक प्रत्यावर्ती ई वोल्ट में है, 200 रूट टू साइन 100 टी को 1 माइक्रोफेरेड संधारित्र के धारिता के संधारित्र के साथ एसी एमीटर से जोड़ा गया है, एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा ये हमसे पूछा गया, यानी हमारे को धारा का मान पूछा गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारे को धारा का मान पूछा गया है और हमारे को ये दे रखा है 1 माइक्रोफेरेड, तो पहले मैं एक्सी निकाल लेता हूँ, एक्सी हमारे पास में होता है 1/ ओमेगा सी के बराबर होता है। ठीक है, एक्सी हमारे पास होता है 1/ ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, ओमेगा को हम क्या इसको लिख सकते हैं 2πf(c). ठीक है, एक्सी हमारे पास में क्या बच जाएगा बच्चों, एक्सी हमारे पास में बच जाएगा 1/ टोटल 100 बाई डायरेक्ट लिख देते हैं ना, हाँ ये 2πf की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट लिख देते हैं,
2 पाई एफ की डायरेक्ट वैल्यू हमने क्या लिख दी 100। तो यहाँ पर सी का मान हमारे को कितना दे रखा है 1 माइक्रोफेराड, इसको मैं लिख सकता हूँ 10^-6। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 10^4 बच जाएगा। 10^4 बच गया हमारे पास में। अब आगे की बात करते हैं, हमें बता रखा है कि भैया आप बता दो अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। अमीटर हमें हमेशा किसमें रीड करता है, आरएमएस वैल्यू रीड करता है। तो ये हमारे पास पीक वैल्यू दे रखी है, पहले इसको भी आरएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 200 हो जाएगा। हाँ, तो इसको हम जानते हैं कि ई नॉट बाई रूट टू यही आरएमएस का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ई आरएमएस कितना हो जाएगा हमारे पास में 200। सिंपल। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है हमारे को। तो आई आरएमएस कितना हो जाएगा हमारे पास में 200 × 10^4। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 200 × 10^-4 लिख सकते हैं, 20 mA लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 10^-3, या इसको मैं क्या लिख दूंगा 20 mA। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 53। देखो बच्चों इसमें क्या लिखा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल बिकम्स डैश टाइम्स, कितना होगा, चार ऑप्शन दिए हुए, by doubling the value of the capacitance in the LC oscillator circuit। तो अगर हम लोग बात करते हैं frequency की, frequency का formula होता है 1/2π√LC, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, by doubling the value of capacitance, जैसे ही आप इसको 2 times करोगे तो √2 times हो जाएगा frequency, यानी f dash की value f/√2 हो जाएगी 1/√2 times। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सर, ये 54। देखो बच्चों ध्यान देना, 54 में क्या लिखा है, इन द सर्किट शोन हियर द पावर, द पॉइंट सी इज कैप्ट कनेक्टेड टू पॉइंट ए, ये जो पॉइंट है ये सी से कनेक्टेड है शुरुआत में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स कॉन्स्टेंट आफ्टर वॉट सडनली पॉइंट सी डिसकनेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड कनेक्टेड टू पॉइंट बी, पहले यहां पर था वहां से डिसकनेक्ट करके बी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, टी इक्वल्स टू जीरो, देन रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस एंड इंडक्टर एट दिस पर्टिकुलर टाइम, टी इक्वल्स टू L/R। देखो बच्चों ध्यान देना, किसी भी टाइम जब इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं तो ये एक लूप बन गया जिसमें एक रेसिस्टर है और एक इंडक्टर है। अगर हम लोग लूप लॉ लगाएं तो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल है और L के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा। वोल्टेज लॉ लगा, वोल्टेज लॉ लगा दिया। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, VR और VL का रेशियो ना, प्रतिरोध और वोल्टता से अनुपात। तो VR इक्वल्स टू -VL -1। हां तो VR/VL को -1 कर देंगे, करेक्ट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 55 में देखो बच्चों क्या लिखा है, एन LCR सीरीज सर्किट विद रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू 100 ओम इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC, ठीक है। तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ये EMF वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन है। व्हेन ओनली द कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड द करंट लैग्स द वोल्टेज, जब हमने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया तो LR सर्किट बन गया, और उसमें कितना ये डिफरेंस आ रहा है 60 डिग्री का। तो देखो बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं 10 φ = XL/R। अब ये 60 डिग्री दिया है तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 XL/R। यहां से XL हमें क्या मिल जाएगा, R√3। बिल्कुल। अब सेकंड कंडीशन में देखिए क्या लिखा है सर, इसमें लिखा है कि इंडक्टेंस को अब हटा दे रहे हैं तो क्या बन जाएगा, आरसी सर्किट बन जाएगा। और आरसी सर्किट में अगर हम लोग जनरली क्या होता है, करंट लीड करता है 60 डिग्री फिर से, तो यहाँ पर एक्सी की वैल्यू भी यही आ जाएगी, यहाँ पर एक्सी लिखेंगे तो एक्सी भी R√3 हो गया, दोनों इक्वल है, ये तो रेजोनेटिंग कंडीशन आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना, करंट, करंट हो जाएगा ई नॉट जो ई आर एम एस है डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, ठीक है। तो 200 वोल्ट है ना सर यहाँ पर, बिल्कुल ई एम एफ, और रेसिस्टेंस 100 है, 200/100 करेंगे 2 एम्पियर आंसर। सिंपल है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, यदि एसी परिपथ में वोल्टेज, या यहां पर देखते हैं बच्चों, इफ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज
ऑफ वोल्टेज आरएमएस वैल्यूज वी एंड करंट आरएमएस वैल्यूज आई इन एन एसी सर्किट देन एवरेज पावर लॉस ओवर ए कंप्लीट साइकिल। तो ये तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं वी आई कॉस वाई, ये हम जानते हैं पावर लॉस हमारे पास क्या होता है वी आई कॉस वाई, इसको आपको पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसको याद रखिए। फॉर्मूला ही होता है पावर लॉस का, यानी इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट। सेकंड ऑप्शन 57 में आ जाए बच्चों, देखो 57 में क्या लिखा है, एन आइडियल रेसिस्टर आइडियल इंडक्टर आइडियल कैपेसिटर एंड एसी वोल्टमीटर V1 V2 V3 एंड V4 आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एस एट रेजोनेंस। अब रेजोनेटिंग कंडीशन हो गया तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि XL और XC इक्वल होते हैं रेजोनेटिंग कंडीशन में, ठीक है ना, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल है, सीरीज में है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, तो XL और XC के कारण VL और VC का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो ये दोनों की रीडिंग सेम हो जाएगी V2 और V3। फिर ये दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों, देखो सीरीज में करंट सेम फेज में होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम फेज में होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो यहां पर ये सीरीज सर्किट है, करंट सेम फेज में, तो इसमें वोल्टेज जो है वो, क्योंकि इसमें करंट लीड करता है बिल्कुल, तो इसमें वोल्टेज लैग करेगा, इसमें वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर जाएगा, तो डिफरेंस 180 डिग्री का हो जाएगा, दोनों क्योंकि इक्वल है अपोजिट है तो ये कैंसल, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही इस EMF के बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं V4 और V1 इक्वल V2 और V3। अब इसमें ऑप्शंस में देखते हैं तो V3 V1 लिखा है, या V1 V2 लिखा है, या V2 V4 लिखा है, एक्चुअली क्या है V2 V3 V1 V4 बिल्कुल। तो V2 V3 इक्वल होगा, अगर V1 V4 का कोई ऑप्शन दिया होता तो वो भी इक्वल होते, बराबर हो जाते, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 58। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है हमारे पास में कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.5 हेनरी आर इन सीरीज। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस इस तरीके से और एक इस तरीके से इंडक्टर, ये सीरीज में दे रखे हैं 0.5 हेनरी है ना, ये 0.5 हेनरी का है हमारे पास में, तो ये हमारे को क्या है सीरीज में दे रखे हैं और एसी सोर्स के साथ हमने इसको क्या कर रखा है कनेक्ट कर रखा है। अब हमें क्या दे रखा है, ये जो एसी सोर्स है इसकी जो वोल्टेज है वो हम लिखते हैं 100√2 sin 1000 t, यानी ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, सिंपल ओमेगा की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1000। तो पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन, पावर फैक्टर हम जानते हैं कि कोस फाई के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है R/Z। उसके लिए मुझे जेड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जेड की वैल्यू के लिए क्योंकि ये सीरीज के अंदर लगे हुए हैं इसलिए मैं जानता हूं कि जेड की वैल्यू होगी R² + XL² और XL की वैल्यू पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। XL की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ओमेगा L, ओमेगा हमारे पास है 1000, L की वैल्यू बच्चों हमारे को देखिए 0.5, तो ये 500 हो जाएगा, दोनों इक्वली हो गया, तो ये 500 है और रेजिस्टेंस भी 500 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो नीचे से वैल्यू निकल के आएगी, यानी अगर मैं बात करूँ XL² + R² की, तो ये दोनों ही क्योंकि 500 है तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 500√2, करेक्ट, 500√2 वैल्यू निकल के आएगी। अगर ये 500√2 वैल्यू है, इसमें अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो R की वैल्यू है 500 और इसकी वैल्यू कितनी है 500√2, इसको कैंसिल कर देंगे तो बच्चों मेरे पास में पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, जो कि मेरे को फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं सर, आगे बढ़ा जाए। जी सर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 59, देखो बच्चों ध्यान देना, 59 में क्या लिखा है, When an AC source of EMF E equals to E naught sine 100 t is connected across a circuit, the phase difference between the EMF E and current I is observed to be π/4. Yani phase difference diya hua hai π/4 ka, theek hai bachcho, as shown in the figure. If the circuit consists possible only RC और RL in series, which of the following combination is possible? देखो बच्चों ध्यान देना, फेज डिफरेंस तो पाई बाई फोर है, अगर हम लोग 10 phi की बात करें तो 10 phi को X/R लिखते हैं, यहाँ XL या XC होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा क्योंकि ये पाई बाई फोर है, यानी 10 45 degree 1 होता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रिएक्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस के बराबर बराबर है। अब एक और चीज ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं बच्चों, देखो
ये जो है ना ग्राफ, इसमें करंट लीड कर रहा है जबकि ईएमएफ लैग कर रहा है। तो करंट लीड करने का मतलब ये तो ऑब्वियसली कैपेसिटिव सर्किट होगा सर, करंट लीड कर रहा है कैपेसिटिव सर्किट। तो ये इसमें देखो सब में कैपेसिटर ही लिखा है, आर ही लिखा है, तो इंडक्टर तो है नहीं। अब हमें क्या चेक करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सब में देखो आर की वैल्यू सेम ही दिया है, तो हम लोग आर की वैल्यू क्या लिख लें, वन लिख दे। तो आर की वैल्यू देखो यहाँ 1 किलो ओम है, एक्स एल भी कितना होना चाहिए बच्चों, सॉरी एक्स सी हो जाएगा ना कैपेसिटर, एक्स सी हो जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 किलो ओम यानी 10^3, एक्स सी की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/ωc। इसको 10^3 लिख दें, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 100 गिवन है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100, और इसको नीचे ले आए 10^3, ये सी के इक्वल हो गया 10^-5, या इसको 10 μF लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, यानी कि इस सब में से पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, पहला ऑप्शन आ गया। यह सी लिखा है और हेनरी में लिखा है, ये एक्चुअली इंडक्टर है बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर, ये तो 59 था, 60 अगला प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। एक एलआर परिपथ में एल का मान 0.4/π हेनरी तथा आर का मान 30 ओम है। परिपथ में 200 वोल्ट 50 साइकिल प्रति सेकंड का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगा हुआ है, तो परिपथ की प्रतिबाधा और धारा का मान हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो पहली बात तो हमें एल का मान दे रखा है बच्चों, एल का मान हमारे को दे रखा है 0.4/π, ठीक है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, पहले तो एक्स सी का मान निकालता हूँ, एक्स सी होता है एक्सएल का मान निकालता हूँ, एक्सएल हमारे पास में क्या होता है ओमेगा एल के बराबर होता है, और ओमेगा को 2π, ओमेगा हमारे पास में जो है 50 साइकिल दिया है, तो हमने फिर इसको 2πf में बदलना पड़ेगा, 2πf इनटू, तो ये हमारे पास 2πf का मान है हमारे पास में 50, और l का मान बच्चों हमारे पास में कितना आ गया 0.4/π, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 50, 100 और ये 40 आ जाएगा, 40 यानी xl का मान हमारे पास में आ गया बच्चों 40, और R का मान दे रखा है हमारे को 30। तो अगर मैं प्रतिबाधा की बात करूं तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो ये मतलब 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर हो गया, यानी 50 आ गया, 50 आ जाएगा। तो यानी Z का मान हमारे पास में क्या आ गया, 50। अब हमें क्या निकालना है, हमें देखिए हमें विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है, 200 वोल्ट है ना, विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट दे रखा है, और Z हमने निकाल लिया, तो I का मान कितना होता है, V/Z, यानी कि 200, इसका मतलब कितना हो गया, 200/50, यानी ये कितना आ गया, 4। तो हमारे पास दो आंसर आ गए बच्चों, एक तो 50 ओम ये आंसर आ गया प्रतिबाधा, और एक ये 4 हमारे पास में एम्पियर में धारा का मान आ गया। सर कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे तो वैसे भी 50 है, डायरेक्ट बच्चे एक ही आंसर देते हैं, सही बात है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो था क्वेश्चन नंबर 60। अब 61 देखो क्या लिखा है, द इंपेडेंस ऑफ आरसी सर्किट is Z1 for frequency F1 and Z2 for frequency 2F. If Z1 by Z2 is, तो अगर हम लोग बच्चों Z1 की वैल्यू लिखे, देखो ये RC सर्किट है ना, तो RC सर्किट में क्या लिख सकते हैं, एक तो R स्क्वायर, दूसरा XC, और XC को ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू C लिखते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है ना बच्चों, ये Z1 आ गया। अब देखो ध्यान देना क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया यहाँ पर, ये ओमेगा के बदले भी तो 2ω हो जाएगा ना, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है 2π फ्रीक्वेंसी। जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे ओमेगा भी दोगुना हो जाएगा, तो Z2 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/2ωc का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो बच्चों, बहुत सिंपल सा मैं आर्ग्यूमेंट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखो ये 2 है, अगर यहाँ भी नीचे 2 आता ना R/2 का स्क्वायर, तब रेशियो क्या हो जाता है, एग्जैक्टली 2 के इक्वल होता है ना सर। अगर ये भी हाफ हो जाता तो ऊपर निकल जाता, तो ये आप अगर Z1/Z2 लिखते तो 2 होता, लेकिन अभी क्या है ये 1+1/4 जैसा अगर आप मान रहे हो इसको, जैसे ये टर्म था ना, इससे तो ज्यादा 5/4 मान लीजिए आप, हाँ तो इससे मतलब ये वैल्यू कम है, तो Z1/Z2 ये तो तय है कि 1 से ज्यादा होगा, लेकिन 2 से कम इसलिए हुआ क्योंकि अगर यहां पर इस तरह से होता ना बच्चों, तब ये 2 के इक्वल होता,
अभी ऐसा टू है नहीं, और अगर टू नहीं है तो ये दो से कम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड वन बाई जेड टू ये एक से ज्यादा दो से कम, एक और दो के बीच में, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। एक एलसीआर श्रेणी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर में प्रत्येक पर 10 वोल्ट का वोल्टेज है, यदि प्रेरकत्व को लघु परिपथ कर दिया जाए तब संधारित्र में वोल्टेज कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, एक कॉइल है और एक कैपेसिटर है। इसको मैंने एक इस तरीके से एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए इस पर भी 10 वोल्ट, इस पर भी 10 वोल्ट और इस पर भी 10 वोल्ट। तो ये तो बच्चों अगर हम ये कहें कि इन दोनों के ऊपर क्योंकि वोल्टेज सेम है तो ये तो एक रेजोनेंस की कंडीशन है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर वोल्टेज क्या है सेम है, तो रेजोनेंस की कंडीशन है। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज होगी, आर के ऊपर जो वोल्टेज होगी वही हमारे पास में, आर के ऊपर जो हमारे पास वोल्टेज होगी वही हमारे पास सोर्स की वोल्टेज हो जाएगी। यानी अब मैं इसको अगर लघु परिपथ कर दूं तो इन पर नई वोल्टेज मान लो वीवी आ गई, और इसके ऊपर कितनी वोल्ट है 10 वोल्ट है। तो इन दोनों के ऊपर अगर नई वोल्टेज वीवी आ गई तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 10 वोल्ट है ये किसके बराबर है, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वी स्क्वायर प्लस इसके ऊपर जो पोटेंशियल है यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो ये कितना बन गया हमारे पास रूट टू वी, तो ये हमारे पास वी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/√2। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना बच्चों, ये आर है और ये सी है, तो ये हमें इस तरीके से इसको 90 डिग्री के फेज डिफरेंस के कारण इस प्रकार से लिख दिया, और हमें ये बन गया 10/√2। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। यहां पर जनरली बच्चों को ध्यान रखना है ये वीवी टू वी कर देते हैं जैसा डीसी में, हाँ अरे नहीं टू वी नहीं करना है क्योंकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, टू वी नहीं करना, सीरीज सर्किट है, करंट सब में सेम फेज में होगा, इसमें करंट वोल्टेज सेम फेज में, इसमें करंट लैग करेगा वोल्टेज लीड करेगा, इसमें करंट लीड करेगा वोल्टेज लैग, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन है बच्चों, तो ये स्क्वायर से आपको इसका रिजल्टेंट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़े सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये 62 था, अब 63। देखो बच्चों क्या लिखा है, अ फुली चार्ज कैपेसिटर सी विद इनिशियल चार्ज क्यू नॉट इज कनेक्टेड टू अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, द टाइम एट विच द एनर्जी स्टोर्ड इज स्टोर्ड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एलसी ऑसिलेटर सर्किट से रिलेटेड है बच्चों, ध्यान से समझना। इसमें जो हम लोग क्यू की वैल्यू लिखते हैं क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, ऐसा एक एक्सप्रेशन के बाद आता है। यहां पर जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है इसको लिखते हैं 2π, और 2π बाई ओमेगा, जब आप ओमेगा की वैल्यू लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा रूट एलसी आ जाएगा ऐसा। अब यहां पर क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है टी बाई 8 सेकंड पर, जैसा हम लोग SHM में पढ़ते हैं, है ना सर। तो टी बाई 8 टाइम, यहां पर जो टाइम लेंगे वो टी बाई 8 हो जाएगा, सिंपली SHM का कॉन्सेप्ट यहां यूज कर रहे हैं बच्चों। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे पाई बाई 4 और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ LC, तो बिना लेंदी कैलकुलेशन के हम लोग बोल सकते हैं आंसर। वैसे भी सर हम कह सकते हैं कि एलसी ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट मतलब वही SHM कर रहा है, हाँ SHM ही इसका टाइम पीरियड बिल्कुल। हाँ, तो इस तरीके से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ते हैं 64। एसी परिपथ में तात्क्षणिक धारा अधिकतम होती है जब तात्क्षणिक वोल्टेज अधिकतम होता है, इस स्थिति में स्रोत से जुड़े परिपथ का घटक क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए बच्चों, हमें अगर वोल्टेज और धारा अगर मान लीजिए दोनों के दोनों अधिकतम और बराबर मिल रहे हैं, मतलब हमें क्या बोल रहे हैं कि तात्क्षणिक धारा अधिकतम और तात्क्षणिक वोल्टेज भी अधिकतम, मतलब वोल्टेज भी अधिकतम मिल रही है और धारा भी अधिकतम मिल रही है, मतलब दोनों सेम फेज में होंगे। और सेम फेज में कब होता है, जब उसका जो प्रतिबाधा होती है वो केवल आर के बराबर हो, जो प्रतिबाधा वो किसके बराबर हो आर के बराबर हो, यानी उसमें केवल एक शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो, ठीक है। या अगर इंडक्टर क्या लिखा है, एज गिवन इन द फिगर अ सीरीज सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट, यहाँ पर 200 वोल्ट है ना, 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज लाइन कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटर के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ 30 ओम, नॉन इंडक्टिव रेसिस्टर 44 ओम एंड अ कॉइल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका रिएक्टेंस भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, पावर डिसिपेटेड इन द कॉइल। तो इसका जो रेसिस्टेंस है इसी में तो पावर की बात करते हैं बच्चों। पहले करंट, करंट क्या हो जाएगा ध्यान देना, करंट के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ERMS डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, ये कितना हो गया 36 और 44, ये तो सेम फेज में होंगे ना,
तो जब आप इसको ऐड करते हो 80 आ जाएगा। फिर हम लोग देखो एक्स, ये एक्स सी है, ये एक्सएल है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 60, तो ये आ गया ई बाय 100। ई की वैल्यू कितनी की बने 200, यानी कि 2 एम्पियर का करंट आ गया, आरएमएस करंट। अब हमें जो पावर चाहिए, पावर डिसिपेटेड, वो किसके अक्रॉस? कॉइल के अक्रॉस। तो इसमें पावर सिर्फ इसके रेसिस्टेंस के अक्रॉस होता है, बिल्कुल रेसिस्टेंस के कारण। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई स्क्वायर इनटू आर। तो आई स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 4 और 36 144, हाँ तो 144 हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं 66। इसके बाद हमें दे रखा है एक प्रेषित्र 300 मीटर पर तरंग दैर्ध्य प्रेषित करता है, 3.4 माइक्रोफेरेड धारिता का एक संधारित्र प्रयुक्त किया गया है, अनुनादी परिपथ के लिए प्रेरकत्व का मान लगभग क्या होगा? तो ये हमें खास बात क्या है कि अनुनादी परिपथ है, यानी हमारे पास में ओमेगा एल बराबर किसके होगा 1/ωc के बराबर होगा, ये एक्सएल बराबर किसके होगा xc के बराबर होगा। अच्छा, हमें अभी दे रखा है कि जो हमारे पास में तरंग दैर्ध्य है वो 300 मीटर दे रखी है, तो तरंग दैर्ध्य अगर मेरे को 300 मीटर दे रखी है तो हम जानते हैं कि जो f होता है वो किसके बराबर होता है c/λ के, और c होता है हमारे पास प्रकाश का वेग, यानी 3×10^8/300। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 10^6 बच जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में इसका मतलब है f का मान कितना आ गया, 10^6 आ गया, ठीक है। अब हमारे को 3.4 माइक्रोफेरेड धारिता का एक संधारित्र दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे को C का मान दे रखा है और L का मान निकालना है। तो देखिए L किसके बराबर हो जाएगा 1/ω² इनटू C के बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/ω को मैं क्या लिख सकता हूँ 4π² इनटू F स्क्वायर, 2π F का होल स्क्वायर इनटू C, ठीक है। तो यहाँ पर 1/4π² को मैंने लगभग लिख दिया 10, और F का मान जो है वो हमने भी निकाला 10^6 था, तो 10^12 कर दिया बच्चों, और यहाँ पर C का मान हमें कितना दे रखा है 2.4 × 10^-6। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका जो एप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10^-8। ये जो है ना आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे बच्चों, ये तो 10 10 10 है और 2.4 × 4 कर लेंगे, हाँ तो ये तो लगभग 10 के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा, 10 और 10 20, ये -8 मतलब 10 × 10 बिल्कुल, 20 मतलब 100, इनिशियल वैल्यू द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी विल बी। तो फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेटिंग कंडीशन में है, फॉर्मूला हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, कैपेसिटेंस को 4 times कर रहे हैं ना, जैसे ही इसको आप 4 times कर दोगे तो यह 2 बाहर निकल के आ जाएगा, f/2 हो जाएगा, बिल्कुल आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें हमें देखा है एक 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक है, तो 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, ओके। स्रोत की आवृत्ति अगर हमारे पास में 50 हर्ट्ज, तो आरएमएस धारा क्या होगी, यानी हमें आईआरएमएस का मान बच्चों निकालना है, ठीक है। तो हमें ये जो दे रखा है, जब से कि अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, अगर कुछ नहीं दे रखा तो फिर आरएमएस दे रखा है, तो इसका मतलब है कि मेरे को ईआरएमएस का मान दे रखा है, ईआरएमएस का मान होता है 220 वोल्ट, ठीक है। अब हमें जेड का मान चाहिए, हमारे को एफ दे रखा है, जेड की जगह हमारे को यहाँ पर केवल एक शुद्ध प्रेरकत्व लगा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक्स एल का मान निकालना होगा, तो एक्स एल का मान कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, यानी 2π f की जगह बच्चों हमने कितना लग दिया 50 100π, और ये हमारे पास में L का मान कितना है 25 मिली एमपी का मतलब 10^-15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसका मान हो गया 2.5π इसको लिख सकते हैं, मतलब ये 100 हो गया 100π और ये 10^-3 डिवाइड कर देंगे तो 2.5π, बिल्कुल सही सर 2.5π भी इसको हम लिख सकते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 50 × 100 ये -1 बचा, तो ये नीचे लगे 2.5, बिल्कुल सही है। तो अब अगर मान लीजिए 2.5π आ गया हमारे पास में, हमें निकालना है ये, तो मेरे को IRMS का मान कितना मिल जाएगा बच्चों, I होता है V/R, यानी ERMS जो कि दिया हुआ 220/R का वैल्यू कितना है 2.5π। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास आ जाएगा 28 एम्पीयर, और मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। आसान, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नीट लेवल के क्वेश्चन है, बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69। देखो बच्चों ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है, टू आइडेंटिकल इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब
are connected as shown in the figure when the circuit is in an AC source of frequency f. यहाँ पर जो है सर्किट में एक एसी सोर्स कनेक्टेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विल बी करेक्ट. ध्यान देना, अगर ये एसी सोर्स है ना, तो यहाँ आरसी सर्किट हो गया, यहाँ पर आरएल सर्किट है, उसके साथ लगा हुआ है सीरीज में. तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये जो करंट है वो साइनसॉइडली चेंज होता है. इसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, तो ये एनर्जी जो है साइनसॉइडली चेंज होगा. तो इसमें जो करंट है वो भी साइनसॉइडली चेंज हो रहा है. एनर्जी के चेंज होने के कारण ये जो बल्ब है वो अल्टरनेटिवली ग्लो करेगा. ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना. और इसमें लिखा है सेम ब्राइटनेस नहीं होगी, क्योंकि दोनों का करंट अलग अलग हुआ. जब तक हमें ये नहीं लिखा हो कि इसका जो वैल्यू है इम्पिडेंस वो सेम है, तब तक हम लोग सेम करंट की बात नहीं कर सकते. बल्ब V1 विल लाइट अप इनिशियली एंड गोज ऑफ, ऐसे भी नहीं होगा. इसका सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, बल्ब विल ग्लो ऑल्टरनेटिव. ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 69. अब 70 में आते हैं. जी सर, देखो 70 में क्या लिखा है. इन एन LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एक्सप्रेशन ऑफ क्यू फैक्टर. अगर हम लोग क्यू फैक्टर की बात करें तो जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है और डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा लिखते हैं, जिस पर हाफ पावर होती है. तो हाफ पावर के लिए ये बैंडविड्थ दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के का लेफ्ट साइड एक राइट साइड, जो ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करते हैं बच्चों. ये मान लो हाफ पावर है, तो एक ये ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा और ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा. तो जब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट ओमेगा एल बाय आर आ जाता है, या फिर इसी को हम लोग 1 बाय ओमेगा सी आर लिख सकते हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग कंडीशन होता है. तो ऐसा हो गया. और दूसरा हम लोग इसी को स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे, तो ऐसा आ जाएगा. तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों मिलेंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा, फोर्थ नहीं मिलेगा. फोर्थ में तो ये ऐसा लिखा है, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना है. बिल्कुल, ये आंसर हो जाएगा. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन नंबर 70 था. 71 में देखो बच्चों क्या लिखा है. एयर कोर कॉइल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स. इफ आयरन रॉड इज पुट इन द कॉइल देन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ऑफ द बल्ब विल बी. देखो बच्चों बहुत सिंपल है, ये सीरीज LR सर्किट का एग्जांपल है. जैसे ही हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होगा बच्चों, इंडक्टेंस बढ़ेगा. इंडक्टेंस बढ़ने का मतलब XL बढ़ जाएगा, तो इम्पीडेंस भी बढ़ जाएगा. और इम्पीडेंस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल करंट कम हो गया. ओवरऑल करंट कम होगा तो जाहिर सी बात है सर, इसका ब्राइटनेस जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी, घटेगी. तो हम लोग इसमें आंसर थर्ड कर देंगे. ठीक है ना, कुंडली लोहे की छत डाल दिया, बल्ब के साथ सीरीज में है, तो ऐसा लिख देंगे. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 ना, ये वाला. हाँ, दिखाए गए चित्र में एसी स्रोत का एक वोल्टेज V बराबर 20 cos ओमेगा t वोल्ट है, या ओमेगा 2000 रेडियन प्रति सेकंड है. परिपथ में प्रवाहित धारा का आयाम लगभग में कितना होगा, ये हमसे पूछा है. तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, हमारे को यहाँ पर V की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे को दे रखी है, यानी ये जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 20 cos ओमेगा t, है ना, 20 cos ओमेगा t दे रखा है. ये 6 ओम दे रखा है. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसमें एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू इक्वल आ जाएगी. इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ओमेगा हमारे को दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है. तो बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए. अगर ओमेगा एल को हम सॉल्व करेंगे तो ओमेगा एल हमारे पास में कितना आ जाएगा, ओमेगा हमारे को दे रखा है 2000, एल का मान हमें दे रखा है 5 × 10⁻³। ये 10 की पावर माइनस 3 है, तो ये कितना बच जाएगा 10. ऐसे 1 बाई ओमेगा सी का अगर मैं मान निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 20 ये आ जाएगा हमारे पास में 1/2000. 15 सी का मान दे रखा है हमारे को 50, और ऊपर मैं लेके जाऊंगा 10⁶. ठीक है, तो ये मान भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10. तो ये आपस में बराबर आ जाएगा ना. अच्छा, ये 10 आ रहा है. हां ठीक है, 5 × 10 तो
तो अगर मान लीजिए ओमेगा एन और ओमेगा सी इवन बाई ओमेगा सी बराबर है तो ये एक रेजोनेंस की कंडीशन है, हम जानते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। तो अगर रेजोनेंस की कंडीशन है और हमसे पूछा धारा का आयाम कितना होगा, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर धारा अधिकतम मिलेगी हमें, धारा जो अधिकतम मिलेगी तो केवल जो प्रतिरोध है वो छांट लीजिए आप, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो एक तो प्रतिरोध इसका है 4 ओम और एक प्रतिरोध 6 ओम ऑलरेडी दे रखा है, तो धारा का जो अधिकतम मान होगा वो होगा वी, वी का मान कितना है 20 और ये टोटल कितना हो गया 10, 6 और 4 10, तो आई कितना आ जाएगा बच्चों 2 एम्पियर आ जाएगा। 2 एम्पियर हम यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑप्शन करो, इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला, बिल्कुल 2 एम्पियर मतलब फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर, लेकिन आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, ये तो था 72। अब 73 लिखा है पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट, पावर फैक्टर तब मैक्सिमम होता है जब आर और जेड इक्वल हो जाए, 50 हो जाए, बिल्कुल, और इसके लिए एक्सएल और एक्सी को इक्वल होना पड़ेगा, यानी फर्स्ट आंसर जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, है ना सर। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। किसी एसी परिपथ में कुंडली की प्रतिघात उसके प्रतिरोध की अंडर रूट 3 गुनी है, कुंडली के सिरों पर विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा के बीच में कालांतर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है बच्चों। तो देखिए किसी एसी परिपथ में कुंडली की प्रतिघात, कुंडली की जो प्रतिघात है उसको मैं एक्सएल लिखता हूं, वो हमारे पास में अंडर रूट 3 गुना किससे, आर से। तो हम जानते हैं कि जब ये दोनों सर्किट में मौजूद होते हैं, सीरीज सर्किट हमारा बना होता है, तो टेन फाई हमारे पास होता है एक्सएल बटे आर। एक्सएल बटे आर का मतलब कितना हो गया सर, ये अंडर रूट 3 बच गया, तो फाई का मान हमारे पास बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, फाई बाई 60, हाँ 60 डिग्री बोलो, फाई बाई 3 के रूप में दे रखा है, तो फाई बाई 3, तो यही हमारे विभवांतर और इनके धारा के बीच में क्या हो जाएगा, कालांतर हो जाएगा, तो फाई बाई 3 सिंपल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ते, ये 74 था। अब 75 लिखा है द कैपेसिटी ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इज 1 फैराड इन डीसी सर्किट, इट्स इफेक्टिव रेसिस्टेंस विल बी, डीसी सर्किट में क्या करता है, ये तो करंट को ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल, अगर एक बार पूरी तरह से चार्ज हो गया सर, ये तो करंट को ब्लॉक कर देता है, ऐसे लिखते भी हैं ऐसा, हाँ। अगर आपको याद होगा तो ऐसे लिखते भी हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास में एसी सर्किट है, अगर हमारे पास में एसी सर्किट है तो इसमें करंट यू निकल जाता है, डीसी सर्किट है तो वो उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ये अच्छा बताया, तो इसका मतलब ये समझ में आया, ये ब्लॉक कर देगा तो उसका रेसिस्टेंस इफेक्टिवली इनफाइनाइट हो जाएगा। आगे बढ़े सर, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, हाँ। देखो क्या लिखा है, इसको जी सर, अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर कॉइल आर कनेक्टेड इन अ सेपरेट एसी सर्किट विद अ बल्ब इन सीरीज ग्लोइंग इन बोथ द सर्किट्स, यानी दो अलग अलग सर्किट है, एक में एलआर सर्किट है, एक में आरसी सर्किट है, ठीक है। अब लिखा है द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली वेन, तो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, करंट ज्यादा, करंट ज्यादा का मतलब इंपीडेंस कम, ठीक है बच्चों। अब देखो इंपीडेंस एक सर्किट में अगर हम लोग लिखे ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे सर्किट में कैपेसिटर वाले में ऐसे लिखेंगे, तो ये जो है बच्चों ऐसा आएगा ना ओमेगा एल, अलग से मैं लिख देता हूं, देखो यह जाएगा इंडक्टर के लिए। अगर हम लोग कैपेसिटर की बात करें तो 1 बाई ओमेगा सी ऐसा आता है, हमें क्या करना है, करंट बढ़ाना है, और करंट बढ़ाने के लिए जेड को कम करना है, बस, ठीक है। अब ऑप्शंस को चेक करेंगे, पहले में लिखा आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडक्टेंस कॉइल, जैसे ही आप आयरन कोर रखोगे एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ गया तो जेड वन बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। सेकंड में देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द इंडक्टेंस कॉइल इज इंक्रीज, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे फिर से इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और इंडक्टेंस बढ़ गया तो सर फिर से ये तो ये जेड तो बढ़ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड में लिखा है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज, सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो कम हो जाएगा, और कैपेसिटेंस कम हो गया तो फिर से जेड बढ़ ही जाएगा, तो जेड बढ़ गया तो फिर से हमारे पास करंट कम आ गया, बिल्कुल। अब 3 गलत है तो ऑब्वियसली फोर्थ होगा ही, देखते क्या लिखा, डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द गैप बिटवीन द प्लेट्स, तो इससे कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, केसी हो जाएगा, के डाला तो केसी हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, जेड कम हो गया,
तो करंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ज्यादा ब्राइटली ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। ओके सर, क्या लिखा है? फॉर हाई फ्रीक्वेंसी अ कैपेसिटर ऑफर्स, अगर फ्रीक्वेंसी हम लोग ज्यादा लिख रहे हैं ठीक है, तो कैपेसिटर में देखो एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय ओमेगा सी, आप इसको 2 पाई एफ सी लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे XL जो है वो कम हो जाएगा, तो लेस रिएक्टेंस हो जाएगा ना। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर ऑफर्स लेस रिएक्टेंस, ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये तो 77 था सर। 78 में देखो बच्चों क्या लिखा है, ये किसी परिपथ में चोक कॉइल क्या करती है, किसी परिपथ के अंदर जो हमारे पास में चोक कॉइल है या चोक कुंडली वो क्या करती है। देखो बच्चों, चोक कॉइल का फंक्शन क्या होता है, क्यों उसको सर्किट में लगाया जाता है। चोक कॉइल का काम ये होता है कि जो चोक कॉइल है वो हाई फ्रिक्वेंसी की जो एसी जो होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट होती है, उसको ब्लॉक कर देती है, और जो लो फ्रीक्वेंसी की डीसी, मतलब अगर उसको मैं डीसी में यूज करूं तो उसको तो जाने देती है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी की जो एसी उसको कम कर देती है, तो करंट को बेसिकली वो क्या कर देती है, कम कर देती है। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को नहीं जाने देती, हाई फ्रीक्वेंसी इसलिए क्योंकि हम लोग ऐसे लिखते हैं ना ओमेगा है, बिल्कुल ओमेगा बढ़ेगा ये एक्सएल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस वजह से हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक कर देती है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी जो डीसी है उसको वो आराम से जाने देती है। तो यहाँ पर हमने क्योंकि परिपथ में चोक को यूज किया है, एसी परिपथ में चोक कॉइल को यूज किया है, तो धारा को वो क्या कर देगी, कम कर देगी। दूसरा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों, और हम लोग इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर रेसिस्टेंस लगा करके करंट को कम करेंगे तो एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा, पावर लॉस एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एडवांटेज होता है, आगे बढ़ते हैं सर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 79 में लिखा है, इन अ सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। करंट लैग कर रहा है ना या वोल्टेज, करंट लैग कर रहा है, यानी ये इंडक्टर सर्किट होगा ठीक है ना, इंडक्टर में करंट लैग करता है, तो ओनली आर लिख सकते हैं सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली एल है ना, ये करंट लैग कर रहा है इसलिए। आगे बढ़े, 79 हो गया ये क्वेश्चन नंबर। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 बच्चों। एक दोलित्र परिपथ में प्रेरकत्व दे रखा है हमारे को 0.5 मिली हेनरी और धारिता दे रखी है 20 माइक्रोफैरड। परिपथ में अनुनादी आवृत्ति लिख पे कितनी होगी, तो ओमेगा बराबर होता है 1 बाई अंडर रूट LC, या मैं इसको लिख सकता हूँ एफ बराबर 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC। ये अनुनाद की कंडीशन होती है, ये हमें अच्छे तरीके से मालूम है बच्चों, तो मैं इसको लिख दूंगा 1/2 पाई L का वैल्यू हमारे को दे रखा है 0.5 मिली 10 टू द पावर माइनस 3, और C का जो वैल्यू बच्चों हमारे को दे रखा है वो देखा है 20 10 टू द पावर माइनस 6। ये इस प्रकार से दे रखा है, इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपके पास में 1592 हर्ट्ज ये हमारे पास में, मतलब इसको एग्जैक्टली आपको सॉल्व नहीं करना, रफली भी जब आप सॉल्व करोगे ना तो भी आइडिया, क्योंकि दूर दूर नहीं, देखो ये 15 दिया है ना सर, केवल पार्ट्स में सॉल्व कर दो। हाँ इतना लेंदी करना नहीं होता बच्चों, बच्चे सोचेंगे अरे इतना लेंदी कैलकुलेशन है कैसे, केवल केवल इसके आप देख सकते हो, ऑर्डर देख सकते हो, 1/2 पाई 1/3 होता है, मतलब 15। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दे, सॉल्व करके भी देखे, यहाँ जो है ये और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 10 आ गया, और ये कितना था 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर 4 ऊपर आ गया, और नीचे है 2 पाई, तो वैसे भी एक ऑर्डर कम हो जाएगा सर। हाँ, 10/2 पाई, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/π × 1000, तो ये लगभग 1.5 के अराउंड आता है, इनटू 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा हम घबराना नहीं है, कई बार बच्चे अरे इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं, उसको ऑर्डर देखना है बस, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं सर। ओके सर, ये मैं यहां पे मिटा देता हूं। हां, 81 में देखो बच्चों क्या लिखा है, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L रेजिस्टेंस R जॉइन इन सीरीज एंड कनेक्टेड बाय अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो RMS के टर्म में लिखो, VRMS, IRMS, cos phi, या डायरेक्ट IRMS के स्क्वायर इनटू R लिखेंगे। अब I की वैल्यू आप लिख सकते हो, अगर RMS वैल्यू V है तो V बाई Z, और Z की वैल्यू क्या है, ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे। अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, R से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर R यहां दिख रहा है, फिर ये रूट हट जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 82। एक धारितीय एसी परिपथ में धारा विभव से, अब आप मुझे बताइए बच्चों, इसको तो हम आप कई बार कर चुके हैं, एक धारितीय परिपथ है और हमारे पास में मैंने आपको बताया था धारी परिपथ में जो धारा होती है विभव से क्या होती है सर, अग्रगामी होती है, अग्रगामी होती है, कैपेसिटिव सर्किट का मतलब ये करंट लीड करेगा, धारा आगे होगी, बिल्कुल अग्रगामी है, सिंपल। अब हमें याद है, कई सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड कर चुके हैं तो हमें अच्छे तरीके से इसको याद है। आगे बढ़ते हैं सर, 83 नंबर सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 10 हेनरी, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट मैक्सिमम पावर एट 50 हर्ट्ज इट शुड बी कनेक्टेड टू अ कैपेसिटेंस ऑफ, देखो बच्चों हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर चाहिए ना, तो मैक्सिमम पावर के लिए एक्सएल और एक्सी को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप हमें क्या फाइंड करना है, देखो सेल्फ इंडक्टेंस ये ओमेगा यहां से मिल जाएगा, एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ऐसे लिख दो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, सी इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर एल, और एल की वैल्यू यहां पे क्या गिवन है 10, ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे 100 पाई, तो 100 पाई का स्क्वायर यानी 10 टू द पावर 4 पाई स्क्वायर इनटू 10, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, क्योंकि पाई स्क्वायर को भी हम लोग 10 के अपॉन में लिखते हैं, तो 1 माइक्रो फैराड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या लिखा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी चौक यूजेस कोर ऑफ, अब ध्यान देना, रेडियो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो एक्सएल होता है ना बच्चों, एक्सएल को ओमेगा लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई ठीक है तो एक्सएल भी बढ़ जाएगा, बिल्कुल, तो हमें क्या करना होगा, एल की वैल्यू को कम से कम ही रखना होगा। तो अब इसमें अगर आप आयरन यूज करोगे इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग आयरन यूज नहीं करते, एयर कोर चॉक कॉइल ही यूज करते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 85, इसमें क्या लिखा है, एन इंडक्टेंस ऑफ 200 बाय पाई मिली हेनरी, अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 टू द पावर माइनस 3 बाय पाई फैराड एंड अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, द फेज एंगल ऑफ द सर्किट इज, देखो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो एक्स सी की बात करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी, अगर 50 हर्ट्ज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा 100 पाई हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख दें 1 बाय 100 पाई, और सी की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर माइनस 3 बाय पाई, तो आप 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ लिख रहे हो, पाई ऊपर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये पाई से ये पाई कट गया, ऊपर 1000 लिख दें, 1000 बाय 100 तो ये 10 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक्स एल की वैल्यू फाइंड करें ओमेगा एल, तो देखो ये 2 पाई से ऐसे लिख देते पहले 100 पाई इंटू 200 बाई पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा ना, और मिली हेनरी में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 3 भी लिख देते हैं, माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, पाई से पाई कट गया 20 आ जाएगा, 20। अब हमें क्या फाइंड करना है, फेज डिफरेंस, तो देखो बच्चों फेज डिफरेंस के लिए मैं ऐसे लिख दूं 10 5, ये एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर ऐसा लिखते हैं, तो अब ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 10 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय आर, देखो रेसिस्टेंस भी बच्चों यहाँ पर 10 ओम दिया हुआ है ना, बिल्कुल 1 आ जाएगा सर, तो ये 1 आ जाएगा यानी कि 45 डिग्री पाई बाय 4, तो फाई की वैल्यू हम लोग पाई बाय 4 लिख देंगे। आगे बढ़े, हाँ यहाँ पर हम आंसर यहाँ पर मार्क कर देंगे सर, पाई बाई फोर यहाँ पर सेकंड आंसर, ठीक है चलते हैं आगे सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा के किस मान के लिए धारा का अधिकतम मान होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, धारा का, शक्ति का, वोल्टेज का, जिनका भी हम बात कर रहे हैं उन सब का अधिकतम मान हमें प्राप्त होता है जब अनुनाद की अवस्था होती है, रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस की कंडीशन में हम जानते हैं कि जो हमारे पास ओमेगा है वो 1 / LC के बराबर हो जाता है, रूट LC के बराबर हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 / LC के बराबर हो जाता है, ओमेगा 1 / रूट LC के बराबर हो जाता है, तो हमारे पास इसके लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 87, देखो इसमें
क्यू फैक्टर की बात करते हैं तो हमने इसके वैल्यू पढ़ी है 1/ωRC या ωL/R या फिर स्क्वायर रूट ऑफ L/C इनटू 1/R, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, क्यू फैक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय हैविंग अ कॉइल ऑफ लार्ज इंडक्टेंस, अगर आप इंडक्टेंस को ज्यादा रखोगे और स्मॉल ओमिक रेसिस्टेंस, एल ज्यादा आर कम, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड में क्या लिखा है, लार्ज इंडक्टेंस लार्ज रेसिस्टेंस हमें ज्यादा नहीं रखना, तो ये देखो ये होगा नहीं, स्मॉल रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस स्मॉल, ये भी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसको हम आगे क्वेश्चन नंबर 88, दो ऐसी परिपथों में कुछ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एक परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, दूसरे परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हुआ है, यदि एसी की आवृत्ति को दोनों के लिए बढ़ाया जाए तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए एक के अंदर हमारे पास केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, जो हमारे पास पहला परिपथ है इसको फर्स्ट परिपथ मान लेते हैं, केवल प्रेरकत्व यानी इस तरीके से जुड़ा हुआ है, अगर इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो हम जानते हैं मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसके लिए एक्सएल का मान कितना होगा, ओमेगा एल। एक दूसरा परिपथ लिया उसके अंदर केवल एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसको अगर मैं मान लीजिए इसके साथ जोड़ दूंगा तो मैं जानता हूँ एक्सी का मान हो जाएगा 1/ωC। अब हमें क्या कहा है कि भाई आप इनकी आवृत्ति को दोनों के लिए बढ़ा दो, देखिए अगर मैं इसकी आवृत्ति बढ़ाता हूँ तो इसका एक्सी कम हो जाता है, अगर मैं इसकी आवृत्ति बढ़ाता हूँ तो इसका एक्सएल भी क्या हो जाता है ज्यादा, एक्सएल ज्यादा हो गया तो धारा का मान क्या हो जाएगा कम, यानी पहले परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा कम, दूसरे परिपथ में धारा का मान क्या हो जाएगा ज्यादा, यानी हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, चार नंबर ऑप्शन, पहले में घटेगी और दूसरे में बढ़ जाएगी बिल्कुल। आगे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 89 में देखो बच्चों क्या लिखा है, एन LC RC सर्किट इज एट रेजोनेंस और रेजोनेटिंग कंडीशन है, इसका मतलब Z की वैल्यू R के बराबर होगी, तो फेज डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो जीरो आ जाएगा बिल्कुल सर, ठीक है, तो 45 डिग्री 90 डिग्री होगा नहीं, इंपेडेंस इज प्योरली रेजिस्टेंस, करंट इसमें मिनिमम नहीं मैक्सिमम होता है, करंट जो है मैक्सिमम, करंट वोल्टेज पावर तीनों मैक्सिमम होते हैं। ऐसे करके हम लोग इसका RMS वैल्यू लिखते हैं ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए तो वी नॉट है लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए जीरो है, तो जब आप RMS वैल्यू लिखोगे यहाँ पर V नॉट लिख दे, V नॉट स्क्वायर और टाइम यहाँ पर T/2 हो जाएगा हाफ, अगला जीरो तो लिखते ही नहीं, टोटल टाइम अगर हम लोग बात करें T तो T से T कट जाएगा, V नॉट बाई रूट 2 इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का सॉल्यूशन, तो बच्चों आज हमने ये जो इको के हमने 9th नंबर जो हमारी टेस्ट है उसके सॉल्यूशन किए, आई होप कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जिन भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज मैं स्वदेश कुमार अग्रवाल टीम फिजिक्स, मेरे साथ में मनीष सर, आपके साथ में विदा लेते हैं, आपके भविष्य के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, जय CLT, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।